This is a short introduction to my recent two talks, which I gave in Hindi because audience wanted it. They cover my memories about my friends, mountain friends, how do I met them, what did we share, and more than that, who they are, what are their great achievements, and how they are part of history. And how we enjoyed together, of course. Each talk is about 1 hour and 40 minutes and tells about the various facets of the personality I cover. In the first talk, I speak about Stephen Venables, Sir Chris Bonington, Durji Latu, and Jagdish Nanavati. The second talk has Charlie Houston, Nawang Gombu and Tenzing, Gurdyal Singh, and Doug Scott. It's a good mixture of Indians and foreigners, and climbers, and those who are very much in academic pursuits. I hope this remains as a good record of their memories and their achievements, and hopefully people would follow it. Thank you. Omkar, over to you. नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात सगळे? हा जो आपला लॉकडाऊन आता ओपन होणं सुरू झालंय, ती सगळी प्रोसिजर एन्जॉय करताय ना? वर्कआउट तुमचं सुरू झालं असेल, ऑफिसेस सुरू झालेलं असेल, आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्या डिनर टाइम भटकंती बघताय ना? कारण आपली जी ज्याप्रमाणे आपली सगळी सेशन सुरू आहेत, तर याच्यामध्ये आम्ही अनेक विषयांचं वैविध्य आणण्याचा प्रयत्न करतो. या क्षेत्रातल्या सगळ्या दिग्गज मंडळींना आम्ही तुमच्या समोर सादर करण्याची संधी आम्ही घेतोय, आणि मुख्य म्हणजे ही संधी तुम्हाला सुद्धा आम्ही मिळवून देत आहोत. कारण ह्या सगळ्या मंडळींची नावं अनेकदा आपण पुस्तकांमध्ये बघितलेली असतात, अनेकदा आपण यांच्याबद्दल ऐकलेलं असतं, पण कधी लाईव्ह त्यांना ऐकायची संधी आपल्याला अनेकदा मिळत नाही. तर डिनर टाइम भटकंतीच्या निमित्ताने ही संधी आम्ही तुम्हाला उपलब्ध करून देतोय, आणि जेवढं शक्य होईल तेवढी विषयांची व्हरायटी, त्या त्या विषयातले तज्ज्ञ आम्ही तुमच्या समोर घेऊन येतोय. आणि आजच गिरेराउंड क्षेत्रातलं एक अत्यंत ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व आम्ही आज तुमच्या समोर घेऊन आलोय, आणि ते म्हणजे श्री हरीश कपाडिया. खरं तर हे नाव महाराष्ट्रातल्या नाही, भारतातल्या नाही, तर जगातल्या कुठल्याही गिर्यारोहकाला माहिती नसेल असं होणारच नाही. कारण अनेकदा आपल्याला अनेकदा असं असतं की महाराष्ट्रातल्या गिर्यारोहण क्षेत्रापुरतं अनेकदा आपलं कनेक्शन असतं, किंवा भारतातल्या गिर्यारोहण क्षेत्रापुरतं आपलं कनेक्शन असतं, पण हरीश सरांनी ज्या पद्धतीने आपली गिर्यारोहण कारकीर्द एका उंचीवर नेऊन ठेवली आहे, त्याला खरंचच म्हणजे त्याचं वर्णन करायला माझ्याकडे आता शब्द नाही आहेत. आणि खरं सांगायचं झालं तर हरीश सरांच्या सगळ्या ज्या अचीवमेंट्स आहेत, तर त्या सांगण्यासाठी ऍक्च्युली मला आता हातामध्ये कागद घ्यावा लागतोय. कारण जवळपास 60 वर्षांची प्रदीर्घ गिर्यारोहण कारकीर्द या हरीश सरांची आहे. हरीश सर हिमालयन क्लब या अत्यंत श्रेष्ठ आणि गाजलेला जो आपला क्लब आहे त्याचे मेंबर आहेत. 1997 ते 1999 या काळामध्ये हरीश सर इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन या शिखर संस्थेचे व्हाइस प्रेसिडेंट होते. नेहरू इन्स्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग आणि जवाहर इन्स्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग या दोन्ही माउंटेनियरिंगच्या ज्या इन्स्टिट्यूट आहेत त्याचे ते मेंबर आहेत. सरांना जे आतापर्यंत अवॉर्ड मिळालेले आहेत त्याची जर आपण गणती करायला गेलो तर खरंच आपल्याकडे शब्द कमी पडतील, पण तरी त्यातले जे सगळ्यात महत्वाचे आणि अत्यंत एक मानदंड समजले जाणारे जे अवॉर्ड आहेत ते मी तुम्हाला सांगतो. 1993 साली सरांना इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशनचं प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिळालेलं आहे. 2003 साली रॉयल जिओग्राफिकल सोसायटीचं गोल्ड मेडल सरांना मिळालेलं आहे. 2005 साली तेनसिंग नोर्गे नॅशनल अवॉर्ड सरांना प्रदान करण्यात आलेलं आहे. 2006 साली किंग अल्बर्ट फर्स्ट माउंटन अवॉर्डही सरांना मिळालेला. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सरांना मिळालेलं आहे ते जगभरातल्या गिर्यारोहकांचं आणि आपल्यासारख्या दुर्ग रसिकांचं, आपल्यासारख्या पर्वत रसिकांचं भरभरून मिळालेलं प्रेम. खरं तर हरीश कपाडिया सरांची इंट्रोडक्शन जर द्यायची झाली तर खरं तर शब्द कमी पडतील, आणि त्यांची एक वेगळी इंट्रोडक्शन तर म्हणजे खरं तर मला द्यायची गरज नाहीये. ट्रेक द सह्याद्रीज हे जे आद्य इंग्रजीमधलं पुस्तक आपण ज्याला म्हणतो, तर त्याचे हरीश कपाडिया सर हे सिद्धहस्त लेखक आहेत. आणि खरं तर आज आपण सरांना जे इन्व्हाइट केलेलं आहे ते जगभरातल्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे जे गिर्यारोहक आहेत ज्यांच्याबरोबर ज्यांचा सहवास सरांना लाभलेला होता, त्यांच्या बरोबर हरीश सरांना सगळ्या एक्सपिडिशन्स वगैरे करण्याची संधी मिळाली. तर हे गिर्यारोहक कसे होते,
त्यांनी स्वतःला गिर्यारोहक म्हणून कसं घडवलं, आणि हरीश सरांच्या आणि त्या गिर्यारोहकांच्या मोहिमांमधले काही किस्से असतील, त्यांच्या काही वैयक्तिक आठवणी असतील, आणि ह्या सगळ्याच्या माध्यमातून आपण या सगळ्या गिर्यारोहकांचं जे व्यक्तिमत्व आहे ते आपण 2 दिवस उलगडण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आज रात्री 9 वाजता आणि उद्या सुद्धा हरीश सर आपल्यावर जॉईन होणार आहेत. सो हरीश सर, वेलकम टू अवर शो. आणि सर्वांना आज फक्त एक सांगायचं म्हणजे डिनर टाइम भटकंतीमध्ये थोडासा असा एक बदल करण्यात आलेला आहे की आजचा आपला हा जो पूर्ण टॉक शो जो आहे तो हिंदी आणि इंग्लिश असा थोडासा मिश्रित असणार आहे, कारण जगभरातला ऑडियन्स आज हा शो बघतोय. सो सर, आय विल कम टू फर्स्ट क्वेश्चन अँड द फर्स्ट लिजेंड फॉर अवर शो. सो द फर्स्ट लिजेंड इज स्टीफन वेनेबल्स. अँड हमारी जब भी स्टीफन वेनेबल्स की बारे में बात हुई थी, सो यू आर हैविंग सम वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन्स अबाउट हिज टोटल माउंटेनियरिंग करियर. सो वॉट वॉज एक्चुअली अ बैकग्राउंड ऑफ द स्टीफन वेनेबल्स, वेयर ही हैड कम फ्रॉम, और बहुत से बार ऐसा भी होता था कि वो इतने फेमस नहीं थे माउंटेनियरिंग फील्ड में, इवन दो ही यूज टू विजिट द मुंबई फॉर सम रीजन. सो वॉट वॉज हिज बैकग्राउंड एंड वॉट वर द रीजन बिहाइंड his visit to Mumbai. Hi. You know, Stephen Venables is a very educated and well hushyar aadmi hai. Usne Oxford ke andar apna graduation kiya hai aur uska father ka bada Matthew Nogueira karke ek advertisement firm hai, uske wo chairman the. Abhi ye log ko wo father se nahi karna hai ki hum hamara hi karenge, and he wanted to live only on माउंटेनियरिंग, कि मैं अपना माउंटेनियरिंग में अपना करियर कर को मैं लिखूंगा, लेक्चर दूंगा, एक्सपीडिशन में जाऊंगा, उसी तरह मैं आगे बढ़ना है. तो उसने उसमें कोई नहीं लिया, फादर से संबंध बहुत अच्छे हैं, बोला कि नहीं हमको हमारा करना है. तो वो हिसाब से उसने चालू किया और शुरुआत में इंग्लैंड के अंदर बहुत रॉक क्लाइंबिंग किया. वहाँ की ऐसी प्रथा होती है कि भाई इतने सब बाजू बाजू में रॉक्स होते रहते हैं वहाँ, कहीं गए तो तुरंत चढ़ के आ जाते हैं. और फ्रेंड्स भी ऐसे ही होते हैं कि जो इसके साथ हमेशा ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग और रॉक क्लाइंबिंग की खास करके बात होती है. फिर वहां से वो ग्रेजुअली गए आल्प्स के अंदर, वहां से विद इन 1 घंटे की फ्लाइट में आप आल्प्स में पहुंच सकते हो. तो वहां उसने काफी सब छोटा मोटा क्लाइंबिंग किया अपने दोस्त लोग के साथ और गुड सीरियस क्लाइंबिंग. पर उसके बाद फिर उसको एक उनका फ्रेंड था वो जो पाकिस्तान एम्बेसी में कराची और बाजू में पोस्टिंग था, तो उसको मिलने वो आते थे. और उसके साथ फिर उसने जाके काराकोरम में बहुत क्लाइंबिंग और एक्सपेडिशन चालू किए. वो उसने वहाँ जो एक्सप्लोरेशन किया अलग अलग की, जो पुराने जमाने के जो बाकी थे और वो सब, तो वो सब वो करके आए हैं. तो वो टाइम फिर वो मुंबई भी आते थे बहुत टाइम, और हमारी ऐसी मुलाकात हुई और हम लोग मुंबई मिले. और ये फ्री थे तो वो मुंबई में रहते थे, तो हमारे साथ सह्याद्री वो सब जगह पे घूमने का उसको आनंद रहता था, क्योंकि उसको और कोई काम नहीं था, काम यही करते थे. तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि हमारी दोस्ती कैसे हुई और फिर उसका भी करियर कैसे आगे बढ़ा और हमारे साथ भी उसका कैसे आगे बढ़ा, क्योंकि वेनेबल्स के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है. वो घर में आते जाते रहते और उसका जो भी करियर में हुआ है उसके अंदर भी हम लोग इन्वॉल्व हो गए फॉर्चुनेटली, तो वो हिसाब से मैंने देखा है. ये है अपना स्टीफन वेनेबल्स, इंग्लैंड के वो बहुत प्रख्यात है और उसके लिखा है, उसकी किताबें भी बहुत है, उसका रिसर्च बहुत करते हैं. और एट द सेम टाइम उसने ग्रीनलैंड और आर्कटिक सर्कल में भी बहुत एक्सपेडिशन में हो गए हैं, वहाँ भी थोड़ा क्लाइंबिंग किया है. ये हमारे घर में है स्टीफन, जब बीच में एक बार आए थे तभी भी, और हमारे घर में वो सबको जानते हैं, हमारा वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के थे तभी भी, तो वेरी फ्रेंडली पर्सन. और वो ट्रू ब्रिटिशर, और कभी कभी आपको सब नया लगे, ये लोग का ब्रिटिशर का भी यंग जनरेशन बहुत अलग होती है. समझो कि ये यहाँ पूरा दिन वो सूट बूट पहन के घूमता होगा, और आपने हम लोग तो कभी फॉरेन जाते हैं तो सूट पहन के प्लेन में चढ़ते हैं, तो प्लेन में जाने के पहले पैजामा पहन के आ गया कि भाई प्लेन के अंदर मेरे को सूट का क्या करना है, मैं तो वो प्लेन में जाके सो जाना हूँ. तो चटापटा वाला पैजामा पहन के वो प्लेन में चढ़ गया, जो हम लोग को ऐसा लगे कि नहीं भाई ये तो क्या है, अप टू डेट रहना चाहिए. पर वो लोग अप टू डेट बाहर रहते हैं पर अंदर अपना ही वही चलते हैं. सो मुंबई में था तभी हम लोग की ट्रैकिंग के लिए गए, और स्टीफन वेनेबल्स भी मानसून भी हमारे साथ घूम रहा था.
तो जगदीश नानावटी है राइट साइड में, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और यहाँ 3-4 दिन घूमते थे और उसको भाषा समझ में नहीं आया मराठी, परंतु थरली मजा करते थे सबके साथ, गाँव वालों से और सब जगह, और सह्याद्री का भी उसने काफी मजा लिया है। किसी को टेम्पल में हम लोग रात को रहते थे तो वहां भी वो होता है, और बातचीत करने में भी बड़ा होशियार है, तो काफी हमारी बातचीत भी होती थी। तो ओवरऑल वी एंजॉयड अ लॉट इन सह्याद्री विद हिम। फिर हमारा पहला एक्सपीडिशन आया 1985 में। इंडियन आर्मी वो एक सियाचिन ग्लेशियर करके ऊपर ग्लेशियर है, वहां पे आर्मी गई और गवर्नमेंट ने कहा कि वहां जॉइंट एक्सपीडिशन ले जा सकते हो, इंडिया एंड ब्रिटिश हम लोग ने सिलेक्ट किया। सो उसके अंदर में इंग्लिश साइड से स्टीफन वेनेबल्स भी आया, बाकी भी और थे। तो वेनेबल्स के साथ तो हमारा पहले का ही दोस्ती थी। ये हम लोग फिर यहाँ बम्बई से चले मई महीने में, तो मैंगो आपको आम घेऊ जाना चला, मैंगो लेके हम लोग चले। तो चार चिनार जो फेमस है कश्मीर का, वहां बैठ के हम लोग मैंगो खा रहे हैं। तो वो मैंगो भी उसको खाने का सिखाया, अलग अलग टेक्निक इस तरह से मैंगो खा सकते हैं। ये चूस के मैंगो खा रहा था तो उसका पूरा शर्ट मैंगो से भर गया। तो हम लोग ने कहा भाई जो हमने घर में ऐसा किया होता तो हमारा मम्मी ने तो हमारा तेल निकाल दिया होता कपड़ा धोलाने के लिए। तो वो हंस रहा था कि भाई हमको तो, और वो लोग को वहाँ मैंगोज मिलते नहीं इंग्लैंड के अंदर। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तुम कितने मैंगोज खाते हो, तो कि जनरली एक सीजन में एक मैंगो, वो भी पूरा फैमिली के बीच में चीर का आपके हरे को एक एक मिल गई, 10-15 पाउंड का एक मैंगो आता है, तो वो आपको कहाँ से मिले। तो हिसाब से हम लोग काफी नसीब वाले हैं या मैंगो खा के घूम रहे हैं। वो टाइम सब शांति थी, कश्मीर में कोई टेररिज्म नहीं था। तो शिकारा के अंदर भी घूम रहे हैं, लेफ्ट साइड में वेनेबल्स है और सेंटर में हमारा डेव विल्किंसन और मैं बैठा हूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे एक्सपीडिशन स्टार्ट, विच इज यू नो ग्रेट फन, बातचीत होती रहती है, गपशप मारते रहते हैं, थोड़ा टांग भी खींचते हैं दूसरे की, और हिसाब से मजा करते हैं। फिर हम लोग सीधे सियाचिन से अंदर गए और पहले एक छोटी सी पीक चढ़े, तो वहां से ये पूरा फोटो लिया है स्टीवन ने, जिसके अंदर ये पूरा प्लेटो दिखता है। ये जो पूरा प्लेटो है उसको कहते हैं कराम शहर प्लेटो। ये इट्स अ वेरी यूनिक थिंग दुनिया के अंदर कि 18,000 फीट की हाइट के ऊपर इतना सारा स्नो मिले आपको, राइट, पूरा पैक स्नो, 18 किलोमीटर आप चलते जाओ ऐसे ही तो यही बर्फ रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा उतना ही। और पीछे आप देखो तो सब एक्सलेंट अलग 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 तरफ की पहाड़ियां दिखेगी, कोई प्लेटो से राइज हो रही है, कोई पीछे से आ रही है। पीछे आप देखोगे तो K2 करके पीक है, जो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक, वो यहाँ पीछे से दिख रही है। तो ये एरिया की तो और कहानी है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई और वो सब, परंतु हम लोग वही टाइम जा रहे थे और वो टाइम भी सुबह में भी काफी लड़ाई का हमको सुनाई देता था। 84 में लड़ाई चालू हुई और हम लोग 85 में यहाँ पहुंचे थे। तो ये छोटे पिक के ऊपर ये हम लोग खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ उसके हाथ में ग्लव्स और वो सब लेके, और पीछे का पीक देख रहे हैं। और ये वेनेबल्स और एक विक्टर सॉन्डर्स करके हैं, वो दोनों एक रिमो जो है हमारी वो मेन पीक के लिए चढ़ने के लिए निकले। वो बहुत खतरनाक क्लाइम था पहले हमारा, हम लोग 4-5 लोग निकले, खाली वो 2 ही बचे, हम लोग तो सब भाग के आ गए, ये बहुत मुश्किल है। तो ये लोग ने अभी समझो एक टेंट लगाया है रस्ते के ऊपर एकदम डेलिकेटली, और रोप बांध के, जो टेंट फिसल गया तो खाली रोप पे टिंगाएगा। तो वो हिसाब से भी इतना सेफ्टी करके वो लोग को जाना पड़ता है ऊपर, बहुत मेहनत का काम था। फिर ऐसे करते करते वो लोग अब 300 फीट समिट के नजदीक में पहुंचे और वहां खोद के वो कहते हैं ना टेंट का प्लेटफॉर्म जैसा बनाया और यहाँ टेंट लगाना है। तो वो टेंट लगाने के लिए वो लोग सब तैयारी कर रहे थे, तो इस तरह से रक्सेक बांध के रखते हैं उसके पहले, तो अपना वेनेबल्स वो लगाना भूल गया। तो लगाते लगाते उसकी रुकसेक नीचे चली गई पूरी, और पूरी चली गई, उसके साथ उसकी स्लीपिंग बैग गई, उसका चढ़ने का क्रैम्पॉन गया, सामान गया, सब कुछ गया, उसके बाद कुछ नहीं था। तो उसका जो कंपेनियन था विक्टर, वो बड़ा, वो भी एक्सपर्ट था और वेनेबल्स भी एक्सपर्ट है। तो फिर दोनों ने जैसे तैसे करके वहाँ रात को निकाली और सुबह में जा नहीं सकते। तो हिसाब से वापिस आए इटसेल्फ वो एक बड़ी अजब की बात थी, क्योंकि वो रास्ता पूरा बिना आइसएक्स और क्रैम्पॉन के बगैर उतरना वो बड़ा खतरनाक था। जैसे तैसे करके वो वेनेबल्स और ये सॉन्डर्स वो नीचे आ गए और हमारे साथ सेफली पहुंचे। वो फिर पर जो घिराने की जो उसकी रुकसेक की स्टोरी थी वो पूरा लंदन के अंदर प्रकट हो गई कि भाई वेनेबल्स ने रुकसेक गिराई तब पीक नहीं चढ़े। पर उसके मेन कायदा वो हुआ कि
पूरा वर्ल्ड को इसे मालूम पड़ गया कि भाई ये अभी इंडिया से भी लोग सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं, पाकिस्तान में जाने की जरूरत नहीं है और ये एरिया इंडिया का है. सो दैट वाज वेरी मेजर अनाउंसमेंट वेनेबल्स की रुकसेट में गिरने से. तो ये था, ये वही डिसीज कंप्लीट वो स्टोरी के भाई ये जो थी यहाँ पे लोग का स्टैंड लगाया था, यहाँ से रुकसेट सब यहाँ पे गिर गई. ये रास्ता वो लोग चढ़ के गए थे. तो आप सोच सकते हो कि इसी रास्ते से बिना कोई क्रैम्पोन ग्लव्स के भी अगर वापिस आना कितना खतरनाक होगा. तो बच्चे तो जैसे जैसे आ गए और फिर हमारा टीम के दूसरे दो लोग जाके लेफ्ट की जो पीक है रिमो 3 नंबर की पीक उसको चढ़ के आए. तो एक्सपीडिशन सक्सेसफुल हुआ और आजू बाजू का 5-6 छोटे 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 पीक्स हम लोग ने वो सब चढ़ के बड़ी कही. तो इस तरह से सेना बल का और हमारा पूरा एकदम चालू हुआ. फिर वही ट्रिप के अंदर 2-4 दिन के बाद गए तो घर में बैठने वाला था नहीं, तो वापिस अपना टेंट लेके अकेला चला गया. एक वहां दूसरी ग्लेशियर थी साउथ रिमो ग्लेशियर और वहां अपना तंबू लगा के अकेला बैठा और वहां से जो पीछे दिख रही है वो पीक चढ़ गया अकेला धीरे धीरे जाके. और ये समिट के ऊपर उसका ये फोटोग्राफ है. ये लोग में कुछ जोश रहता है यार. स्टीफन वेनेबल्स में भी आपको लगे कि भाई ताकत है, इच्छा है और बहुत आनंद है उसको जाने के लिए. तो वो हिसाब से वो इतना ये लोग सब कर सकते हैं. पर वापस आने के टाइम वही ग्लेशियर में नीचे नदी थी तैरोंग नदी, उसमें बहुत पूर आया. फिर पानी पिघलता गया, बर्फ बर्फ पिघलता गया, पानी ज्यादा बढ़ता है और इतना तूफान में था कि अभी इसके अंदर तो पांव रखो तो भी आपको उठा के ले जाएगा. So there was no point we could cross this river. आते टाइम तो निकल गए थे. So फिर उसके लिए भी बहुत मेहनत लगी और रोप लगा के ऐसे ही ऊपर नीचे 2-4 बार जाना पड़ा. ये रोप आदमी के बदले सामान रख के उसको भी ऊपर नीचे करो और वो सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड झमेला हो गया. माउंटेन क्लाइंबिंग या तो वहाँ आने के ज्यादा प्रॉब्लम ये रिवर का था और रिवर से किसी तरह का भी खतरा नहीं ले सकते. बहुत एक्सीडेंट्स और बहुत लोग मरे हैं रिवर के अंदर. तो वो रिवर को संभालना बहुत जरूरी होता है. तो एक स्प्रेट जगह पर ऊपर इतना बड़ा रॉक के ऊपर पतला सा रोप लगाया और रोप से ऊपर नीचे 5-6 बार जाके सब सामान लेके हम लोग सब ये बाजू पे आ गए. तो इस तरह से अलग अलग करके हर एक एक्सपीरियंस के अंदर वो अपना अपना मस्ती रहती है और उसका भी ध्यान रखना पड़ता है. और उसके लिए अच्छी टीम होना और माउंटेन जैसे वेनेबल जैसे एक्सीलेंट लोग होगा अपने साथ फर्क पड़ता है. उसके बाद भी फिर वापस रिवर के ऊपर ये हमारी लेडर्स लगाई और पूरा सामान और हम लोग पूरा ये आधा दिन लगता है ऊपर नीचे करने को. लेडर जॉइंट से भी थोड़ी नीचे हो जाती है फिर वो आप जाओ तो नीचे इतनी जाती है कि आपको ऑलमोस्ट पानी को टच करना हो जाता है. लेकिन काफी धैर्य से और विद गुड कंसंट्रेशन और डरे बिगड़ को जाना पड़ता है नहीं तो गड़बड़ हो जाए. अच्छा विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सर एक्चुअली 1988 में स्टीफन वेनेबल हैज प्लान्ड माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन और उसका जो रूट था वो इनक्रेडिबली चैलेंजिंग रूट था. सो आप उसके बारे में क्या बताएंगे? हाउ डिड ही क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट? वेल माउंट एवरेस्ट में क्या है कि बहुत अलग अलग रूट है और काफी रूट से वो चढ़े गए. तो वो उसका फिर जो अमुक नॉर्मल रूट से आप चढ़ो तो 1988 में भी कुछ उसका वो मजा नहीं थी. वो हिसाब से समझो कि ये नॉर्मल रूट से आके सब यहाँ से अभी चढ़ते हैं एवरेस्ट आजकल. तो वो उससे बहुत क्लाइम हो गया एनाबल्स और एक 3 अमेरिकन वो लोग ने प्लान किया माउंटेनिंग में कहते वाया कांगशुंग फेस. ये नया रास्ता है, इसमें तब कोई नहीं चढ़ा था और सीधा ईस्ट फेस में पूर्व की तरफ. तो जैसे सन उठता है उसी के ऊपर जोरदार सन आता है और गर्मी आती है तो वहाँ एवेलांच बर्फ गिरने का बहुत चांस रहता है. वो हिसाब से वो पूरा टूटा हुआ और बड़ा खतरे का रास्ता होता है. बट स्टिल वो लोग को तो कुछ नया करना था. तो ये 4 लोग वहां पहुंचे, फिर एक आदमी नीचे बैठ गया अमेरिकन क्लाइंबर और ये लोग 3 क्लाइंबर्स एक ब्रिटिश और 2 अमेरिकन वेनेबल्स के साथ वो लोग ऊपर चले. तो ये है कांगशुंग फेस पूरा ये नीचे से ऊपर तक. और आप देखोगे उसका सीधा इसको इसे जाना है राइट लेफ्ट ऐसा घूम के. और ये कहते हैं साउथ कॉल जहाँ से वो वहां का रास्ता नेपाल का और या तिब्बत का दोनों मिल जाते हैं और यहाँ से फिर ऊपर जाना है आपको समिट के ऊपर. तो ये था एकदम वो अपना
खतरनाक रास्ता कि जी ये लोग ने अडॉप्ट किया और आप देखेंगे उसके अंदर काफी मेहनत करनी पड़े, बीच में समझो क्रेवस आई बड़ी, तो एक बाजू से नीचे उतर के ये साइड से पूरा धीरे 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 रस्सी लगा के ऐसे ऊपर चढ़े और ये जो रोप लग गई फिर हरे लोग बाकी के लोग उसको पकड़ पकड़ के ऊपर आएंगे। तो ये करना भी इटसेल्फ एक बहुत मेहनत की काम है और फिर उसके ऊपर भी जो था पूरा खड्डे के ऊपर फिर रस्सी लगाई और ऐसा लटक के नीचे आना है और इसके अंदर ऊपर भी समझो आप रस्सी से नीचे देखो तो नहीं तो 1-1.5 हज़ार फीट के नीचे खाई है, दैट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। खास करके टेक्निक तो होनी चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, साथ में फिगर होनी चाहिए, जरा भी जो आप डर गए बीच में रह गए तो फिर ना आगे का नहीं पीछे दोनों बाजू से रह जाते, तो वो सब करने के लिए पूरी ट्रेनिंग और ओरिजिनल जिगर चाहिए आप में कि जो एल में था। ये भी आप देख सकते हो कि पीछे इतना ग्लेशियर है, बीच में एक क्रेवास है और क्रेवास के ऊपर से ये वेनेबल्स और उसके कंपेनियन तो क्रैश हो रहे हैं। तो ये धीरे 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 क्रॉस करके ये लोग आए और फिर वहां से दूसरे दिन सब कंपेनियन बैठ गए और अकेला स्टीफन वेनेबल्स समिट पे गया एवरेस्ट की अकेला और वो भी लेट इवनिंग को पहुंचा 6-7 बजे और वो इतना थक गया था तो उसके पास कोई ताकत ही नहीं थी, अपने खीसे के अंदर ये उसके पास दो थे पैकेट ब्लेसिंग जो हमारे बच्चों ने उसको दिए थे सोनम और नवांग ने, तो वो उसने वहां पे रखे और इसी का फोटो लिया तो ये एक ही पिक्चर है उसके पास जो समिट का हो गया। तो वो हिसाब से फिर उसको धीरे धीरे लेके वापिस खीसे में डाला और आके समिट से एक समझो के 300 फीट नीचे ही पूरा रात बैठा इसे, पूरा रात एवरेस्ट के ऊपर बैठना यानी -50-60 डिग्री और लकीली उस दिन रात को बहुत हवा नहीं थी नहीं तो 100% मर जाता था, तो पूरा रात वहां बैठा रहा। पर एक मेन बात है कि वो जो पैकेट उसको दिए थे सोनम और नवांग ने, वो आपने शायद सुना होगा पौंडीचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम है, अरबिंदो आश्रम में जाके जो भी सभा जी के ऊपर फूल चढ़ाते हैं वो लोग सूखे हुए फूल इकट्ठे करके स्मॉल स्मॉल पैकेट बना के ब्लेसिंग्स करके आशीर्वाद करके हर एक को भेजते हैं। तो हमारे घर में भी ये दो थे और उसके ऊपर एक श्री अरबिंदो का फोटो था और वो उसने नवांग ने सोना स्टीफन को दिया, स्टीफन ने खीसे में डाल दिया, उसने कुछ देखा भी नहीं समझता भी नहीं और ऐसे ही लेके ऊपर गया, फिर समिट में रख के यहाँ रात को बैठा और फिर अपनी किताब में उसने लिखा आने के बाद हमको बताया जैसे मैं समिट से नीचे उतरा तो एक बाजू बोरी खाई थी तिब्बत की, एक बाजू ये कॉन्स्टेंट एक दाढ़ी वाला ओल्ड मैन मेरे को धीरे धीरे रास्ता दिखा रहा था और मैं जरा भी राइट को जाओ तो ओल्ड मैन मेरे को कहेगा नहीं तो वो बाजू जा। फिर रात को मैं यहीं बैठा बैठा मैंने पूरी रात निकाली तो रात भर वो ओल्ड मैन ने मेरा ख्याल किया, मेरे से बात करता रहा कि आपको सोना नहीं है, आपको ये मेहनत करना है। कॉन्स्टेंटली ओल्ड मैन मेरा कंपेनियन था, आई डोंट नो कौन था और क्या था वो, और ये ओल्ड मैन से मेरे को पूरी प्रेरणा मिली और सुबह में फिर जैसे मैं मरते मरते नीचे आया तो मेरे को आया और ये इज द ओल्ड मैन श्री अरबिंदो, इसके पास ये पैकेट में ये पैकेट था उसके ऊपर श्री अरबिंदो की ये छवि थी। तो श्री अरबिंदो का यू नो प्रेरणा और पावर से अभी हम लोग को तो कहो तो के पागलपन है कैसा हो सकता है ये सच्चा है कि नहीं, परंतु इसने किताब में लिखा है कि उसको कॉन्स्टेंटली उसको जानता भी नहीं था अभी भी शायद नहीं जानता होगा श्री अरबिंदो कौन है, थोड़ा बहुत बताया परंतु ये खाली फोटो और ऐसे ही पावर से अंदर से दिल से होके अरबिंदो ने पूरा रात भर उसको गाइड किया और वो धीरे 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 नीचे सेफ्टी से नीचे आया। जैसे ही बम्बई आया तो उसका हालत बहुत खराब थी क्योंकि पाँव के अंदर बहुत फ्रॉस्टबाइट हो गए थे और काले काले टोज हो गए थे, उसको बांस मारता था, तो मैं तो नहीं था मगर गीता ने उसको पकड़ा के भाई क्या ऐसी थी क्योंकि ये पहले मेरे को बोली हुई इज दिस ओल्ड मैन वो कौन था। फिर गीता ने उसको पूरी स्टोरी सुनाई कि विश्व अरबिंदो आश्रम है वहाँ का ये ब्लेसिंग्स है और आपको ये मिलता है, ताकि सरप्राइज एक इनक्रेडिबल कि हम लोग तो ऐसे वेस्ट में ऐसे मानते नहीं है पर ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि भाई ये ओल्ड मैन ने मेरे को गाइड किया। बट गीता ने कहा वो सब ठीक है पर तेरा पाँव इतने बांस मर रहे बम्बई की गर्मी में कि तो अभी का भी लंदन जा या तो अभी का भी मैं तेरे को हॉस्पिटल में डाल दूँ। नहीं 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 मैं लंदन जाता तो उसी रात फिर वहाँ से लंदन जाकर निकल गया। तो दिस इज वेरी केम साउथ पोल के ऊपर और वहाँ उसका एक्सपीडिशन और एवरेस्ट चढ़ने के बाद वो यहाँ आके अपना कंपेनियन को मिला और ओल्ड मैन चले गए। अबे नाउ व्हिच वन इज द नेक्स्ट सर उन्होंने इंडिया में एक एक्सपीडिशन प्लान की थी और वो एक्सपीडिशन थी पंचशुली ग्लेशियर की एक्सपीडिशन।
सो उनके साथ उनके कंपेनियन वो एक्सपीडिशन के लिए कौन थे और वो एक्सपीडिशन का रिजल्ट क्या निकला? ओके, सो पंचेचुली का एक्सपीडिशन जो था वो हमारा बॉम्बे का टीम हमारे साथ ही उसकी दोस्ती थी कि वो सबसे पहले ही हमारे पास ही आया था, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे अभी तबाद थे, तो उसने वो जो पूरा हमारे साथ हुआ तो वो टाइम उसके साथ क्रिस बॉनिंगटन एंड बाकी के भी लोग आए थे। सो इज अ रिजल्ट आप देखो राइट साइड में बॉनिंगटन खड़ा है और वेनेबल्स, तो हम लोग ने बॉम्बे के हम लोग चार छः लोग थे और इंग्लैंड के बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े चढ़ने वाले चार छः लोग थे, तो सब मिला के हम लोग अबाउट 12 आदमी की टोटल टीम थी और हम लोग ने डिसाइड किया पंचेचुली करके एक पांच पीक्स है, पांच पीक का ग्रुप है कुमाऊं के अंदर मनशारी और ये हिमालय में, तो वो हम लोग ने जाने का सोचा था और उसके लिए हम लोग ने पूरी तैयारी की। ये है पंचेचुली की पांच पीक, ये जो साइड में दिख रही है वो उसकी सबसे ऊंची पीक है अबाउट 6,900 मीटर, तो फिर पीक नंबर 2, 3, 4 और ये 5 पीक ये है, तो ये पांचवी पीक भी अनक्लाइम थी कम्प्लीटली, ये दो बार में एक ही बार लोग चढ़े गए थे। तो हमारा डबल प्लान था कि भाई जाके पहले वो बाजू की पीक चढ़े और फिर वहां से जाएंगे, तो पहले तो उसके ऊपर जाके हम लोग बैठे तो वहां एक राज रंभा करके पीक है तो वो चढ़ने लगे और वो 4-5 लोग चढ़े गए, पीछे पंचेचुली दिख रही है तो ये एक स्ट्रेट रूप से हम लोग चढ़े और ये एक यहाँ का रूप चढ़े, और ऐसा प्लान था कि हम सब लोग ऊपर मिलेंगे पर तो वो नहीं हो सका क्योंकि ये जो बाएं रूट वाले आ रहे थे उसमें बॉनिंगटन को हेडेक हो गया, तो ऊपर ये लोग एक दिन लेट आए तो हम लोग तो चढ़ के उतर आए पर तो भी सब लोग सेफ आ गए, तो ये राज रंभा के ऊपर ये जा रहे हैं और पीछे आपको पूरा पंचेचुली का पहाड़ दिख रहा है जो एक एक धार पकड़ के समिट पे जाते हैं। सो राइट लेफ्ट सब अलग अलग रूट है, अलग अलग नाम होते हैं और सब टेक्निकली भी उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि इसका क्या है, तो वहां से ये राज रंभा के टॉप के ऊपर ये लोग बैठे हैं, लेफ्ट में वेनेबल्स हैं ये और उसके बाकी में सब बाकी कंपेनियन। इसमें भी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात हुई कि जो झंडा लेकर लेके जो पोल है ना वो एल्यूमिनियम का पोल था टेंट का, वो खुल नहीं रहा था, इतना बड़ा पोल लेके उसको चलना पड़ा, तो बड़ा पोल लेके चलो तो सुबह में हिमालय में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है आवास में, तो ये चलते या तो इलेक्ट्रिसिटी है पोल से भी उसको धीरे 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 छोटा झटका लगे, तो वो मस्ती में लगता है पर मस्ती काफी मेहनत का काम था वो कि वो थोड़ा इलेक्ट्रोफाइड पोल के साथ आगे आगे घूमना, पर वो भी वो लोग ने बहुत मजे से अच्छी तरह से लिखा है। नाउ अभी हम लोग वहां से जो पंचेचुली का मेन पीक में जाना था तो बालाती करके ग्लेशियर है बालाती, और दिस इज द बिग आइसफॉल ऑफ बालाती हमारे सामने, ये बहुत डेंजरस है इसके अंदर तो नहीं जा सकते, क्या राइट से जाना है या लेफ्ट से जाना है, तो हम लोग ने 2-4 दिन तक वो सब पूरा रेकी करने में निकाले ढूंढने में कि भाई कौन सा रास्ता अच्छा है कैसे जाएंगे, क्योंकि तो इसमें पोर्टर्स भी आएंगे हम लोग भी जाएंगे और 5-6 बार ऊपर नीचे होना है, तो ऐसे ही तो पागली तरह नहीं जा सकते। फाइनली हम लोग ने इतना डिस्कशन के बाद लेफ्ट साइड से रास्ता निकाला जो बहुत खतरनाक था, इसमें काफी रस्सी वस्सी लगा के और चढ़ के और फिक्स स्लोप कहते हैं तो लगा के पूरा चढ़ना पड़े, और इसके अंदर आप सोचो कि पूरा ऊपर नीचे 5-6 बार जो करना पड़े पोर्टर्सों के साथ तो कितना मुश्किल हो जाए, तो फिर ऊपर जाके हम लोग ने टेंट लगा के बैठे, तो वहां पे बैठा और ये जब नीचे थे आइसोल के पास तो तभी वो क्रिस बॉनिंगटन और वेनेबल्स वो लोग लीडर थे, तो उसने कहा कि एक प्रॉब्लम है हरीश, क्या हो गया कि भाई हमारे जो यंग ब्रिटिश माउंटेनर्स जो है वो लोग ऐसा मानते हैं कि पोर्टर्स से सामान नहीं उठाना चाहिए, अपने को खुद ही उठाना चाहिए, वो ठीक है पर बाकी ये पोर्टर्स भी है, पोर्टर जैसे नहीं हमारा दोस्त है, हम उसको बहुत सालों से जानते हैं और हम लोग उसको ट्रीटमेंट भी अच्छी दे रहे हैं, हमारे साथ ही खाना खाते हैं, कि नहीं 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 हमको ऐसे ही बस ऐसा हमारा है कि भाई पोर्टर से सामान नहीं उठाना है, तो ठीक है तो आप अपना करो तो हम हमारा करेंगे, हम लोग को पोर्टरों का सामान की इच्छा है तो हम हमारा करेंगे आप करो, तो वो हिसाब से टोटली हमारे पास 8 पोर्टर थे, 4 उनके लिए 4 हमारे, उनको नहीं चाहिए तो 8-8 पोर्टर हमें मिल गए, हम लोग तो एक ही दिन में पूरा सब सामान लेके ऊपर जाके तंबू लगा के आलीशान शांति से बैठ गए, खाना पीना और डोर में चालू और किचन लगा दी, तो ये लोग रोज ऊपर आवे 2-4 चीज रखे वापिस आवे ऊपर जाए 5-6, तो ये लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं पर बस अपना वो आपके लिए। फिर 5वें दिन आके ऊपर आके वो लोग हमारे आजू बाजू में सब तंबू लगाए और बैठ गए,
ये लोग खाना पीने में अपना ही यू नो चीज और बिस्किट और वही सब खाते हैं, वो भी एक दूसरे को भी नहीं देंगे, तो चार आदमी तो अपना अपना ही पका के वो लोग खाएंगे, उनका ऐसा कल्चर है पूरा। सो ऐसा ही उनका चालू रहा, और फिर हमारे दोपहर तक शाम तक हमारा जो स्कूटर था हरसिंह वो आया, क्योंकि साहब ये अंग्रेज लोग अपना दाल चावल मांग रहे हैं, भात मांग रहे हैं, तो वह एक मिनट उसको देना तो पड़ेगा, टीम अपनी है, और जरा उसको इधर भेज, थोड़ी मस्ती करते हैं उसकी। तो विक्टर सॉन्डर्स और वेनाबल सिंह आए कि हरीश हम लोग थोड़ा कैन वी हैव सम दाल एंड राइस, भाई जरूर खाओ दाल और राइस, मुझे तकलीफ नहीं है, पर उसमें याद रखना पोटर का पसीना है, पोटर का खून पसीना अंदर है, आपको पसंद नहीं है तो फिर कैसे चलेगा। नहीं 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 फॉरगेट खून पसीना यार, हमको तो अभी तो दाल चावल दो। मैं कहता ऐसा नहीं, आप पहले मेरे को टेप में रिकॉर्ड करो कि आपकी ब्रिटिश स्टाइल से हमारी इंडियन स्टाइल बहुत अच्छी है, तो नेक्स्ट टाइम भी हम लोग पोटरों का खाना खाएंगे। मुझे रिकॉर्ड करके दिया, और वो रिकॉर्ड में वो भी लिखा कि अभी समिट तक मेरे लिए चाय की दुकान लगाओ, हम जाएंगे ऊपर उसके अंदर। तो इसी तरह से भी बहुत मस्ती मजाक चलती है एक दूसरे के साथ, और दे ऑल्सो लाइक वेरी प्राउड इंडियंस के भाई हम लोग भी खुशी से ताकत से उसके साथ बात कर रहे हैं। तो फिर वहाँ ही वो एरिया के अंदर काफी खतरनाक आइटम थी, ऊपर नीचे घूमते खिपते, फिर धीरे 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 उस पीक की समिट पे हम लोग पहुंचे हमारा रूट से, और वो लोग दूसरे रूट से आने वाले थे और उसमें वो लेट हो गए, तो वो हिसाब से हमारे पंचचुली का तो क्लाइम हो गया। फिर नीचे आए हम लोग और बेस कैंप पे ऊपर, तो हमारे पास 9 दिन एक्स्ट्रा थे, हमारा काम जरा जल्दी हो गया था, तो हम लोग ने किसी ने सजेस्ट किया कि भाई इसी बाजू की वैली में जो जाएंगे तो आप पंचचुली 5 नंबर करके, पंचचुली 5 एक पीक है कि जो चढ़ी नहीं गई अभी तक कभी, तो वो भी 6,500 फीट की है मीटर की, तो वहां जाते हैं। तो हम लोग ने पूरा एक्सपेडिशन को वहां पे शिफ्ट किया कंप्लीट। तो वहां जाने के लिए हमारे पास एक ही गाइड था धर्म सिंह करके, और धर्म सिंह कहते हैं कि हाँ मैं तो वहां गया हूँ, बहुत टाइम गया हूँ। फिर पता चला जैसे गत्ते के वो बहुत टाइम गया था 12 साल पहले, अभी का रास्ता उसको कुछ मालूम ही नहीं था। तो चारों ओर धर्म सिंह हमको जंगल में इधर उधर, और अंग्रेज लोग भी सब अपसेट ही होते जाते थे, और धर्म सिंह बोले आपको बकरी मिलेगी खाना खाओ, तो अंग्रेज भी फिर बहुत गुस्से हो गए के बाद, देयर इज नो बोट हियर, अभी क्या धर्म सिंह को भाई काट के खाया गया, तो नहीं नहीं भाई शांति रख धर्म सिंह रास्ता निकालेगा। तो अल्टीमेटली फिर इधर उधर घूमते 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 बेस कैंप तो पहुंच गए। फिर वहां से एक टीम अंग्रेजों की टीम छोटी 3-4 दिन के लिए खाली समिट पे जाने के लिए वो लोग पूरा निकले, उनकी पीक ये थी पीक 5। ये जो माउंटेनियरिंग करते हैं वो लोग को पता चलेगा काफी कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी है सब ये रॉक के ऊपर जाना है, और बहुत मिक्स क्लाइंबिंग इसको बोलते हैं, रॉक एंड आइस टूगेदर, तो वो बहुत डेंजरस होता है। तो ये लोग निकले 4 आदमी, तो उसमें से अंदर नीचे एक फॉल पे पहुंचे, तो वहां जो लास्ट कैंप लगाया तो बॉनिंटन ने कहा मुझे ठीक नहीं लगता है, मैं बुरा भी हूँ तो मैं यही रह जाता। तो बॉनिंटन रह गया, और ये स्टीफन वेनेबल्स, एक स्टीव सुस्टर और विक्टर सॉन्डर, जो 3 मिलियन के बहुत बड़े खिलाने वाले थे, वो लोग समिट पे चले। धीरे 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 करके रात को 10-10:30 बजे समिट पे पहुंचे। वापिस आते टाइम वो लोग रोप पकड़ के रैपलिंग जो कहते हैं वो करके धीरे धीरे नीचे आते हैं, और वो आने में जब लास्ट रैपलिंग का जो पिटॉन का खिला लगाया था वो निकल गया और वेनेबल्स गिरा, उसमें ऊपर नीचे टंबल खाते 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 मार खाते खाते नीचे आया। लकी लिए बाकी के 2 इतने एक्सपर्ट थे कि वो लोग ने उसको रोक लिया, नहीं उस दिन वेनेबल्स का बचने का कोई चांस नहीं था। वो लोग उसको रोका, पर वेनेबल्स ने काफी मार खा चुका था, तो उसके धीरे से यहाँ पे टेंट के आजू बाजू लोगों को बिठाया, और यू कैन सी वेनेबल्स जब ऊपर जा रहा था उसका ये पूरी चढ़ाई का फोटो है, और यहाँ से वो गिरा। अभी आप देखोगे ये स्लोप के अंदर वो गिर गया है, नीचे वेनेबल्स है और ये ऊपर से उसको पकड़ के ये इतना बड़ा स्लोप पे वो धीरे धीरे उसको उतार रहा है। बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि भाई वेनेबल्स का एक घुटन राइट घुटन टूट गए और लेफ्ट का एंकल टूट गया, मींस वो कम्प्लीटली चल नहीं पाए, कम्प्लीटली बेकार हो गया, टोटली पेन में। इसके अंदर फिर उसको कैसे नीचे ले आना, वो ये लकीली उसके सब वो 2 कंपेनियन एकदम एक्सपर्ट थे आल्प्स के, यू नो रेस्क्यू के, और वे सब बड़े एक्सपर्ट थे, तो वो हिसाब से वो बच सका। तो फिर धीरे धीरे करके उसको नीचे नीचे उतारा थोड़ा, और ये स्टीवन का फोटो है, और ये इसको ये रोप से अलग 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 करके हम लोग उसको नीचे रहा था। अभी करते करते 1-2 दिन हो गया, और वहाँ पे फिर सामान खाना पीना वो भी सब तकलीफ थी,
तो क्रिस मॉनिटर नीचे आया और मुझे बताया कि भाई ये गिर गया है, हम लोग जाके उसका रेस्क्यू भी चालू की हेलीकॉप्टर के लिए अरेंजमेंट करने के लिए। तो ये करके फिर ये देखो इस तरह से उसको रखेगा, दो चार चार घंटा ऐसा ही खड़ा रहेगा, ऊपर से नीचे लाना है नहीं करना है, और नेचुरली उसका एक घुटन और एंकल टूट गया तो वही चिल्लाएगा, बहुत तकलीफ में होगा। तो ये भी एक पूरा गजब की चीज थी। फिर मौसम थोड़ी खराब हो गई, उसमें उसको नीचे ला रहे हैं, और ये उसको कभी उल्टा करके भी गैरेज के अंदर से पूरा उसको नीचे निकाला। सो अलग 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 तरीके से ये सब वेनेबल्स को लाए, एंड इट वाज वन ऑफ द मेजर मोस्ट मेजर रेस्क्यू इन हिमालय अभी तक। इतना सालों के अंदर ऐसा किसी को बचा के नहीं लाया, और ये आप देखो कितना खून बहेगा बर्फ के ऊपर, पूरा खून ही खून है, परंतु अभी इसको नीचे तो लाना ही है। तो वो हिसाब से उसको जाके फिर वहां पे एक जगह पे फिर बहुत पहुंच गए, तो टेंट लगा के उसको बिठाया, जो टेंट लगा के बिठाया, और बाहर दैट टाइम हम लोग ने हेलीकॉप्टर को नीचे से खबरदार किया था, तो हेलीकॉप्टर आया, और दो तीन दिन तक हेलीकॉप्टर को जगह ही नहीं मिले कि ये कहाँ पर है वेनेबल्स का टेंट इतना बड़ा पहाड़ों में। तो लास्ट डे फिर आया था, हम लोग ने बोला कि भाई मॉनिटर को जगह मालूम है तो आपके साथ हेलीकॉप्टर में आएगा। लकीली उसके पहले ही हेलीकॉप्टर वहां आया, और इसने देखा तो उसने सब लोग को बाजू कर दिए, टेंट को फ्लैट किए, और हेलीकॉप्टर को हवा में रख के, आप देख सकते हो एक ही स्की उसने लैंड किया है, दूसरा स्की हवा में है, और यहाँ राइट साइड का जो आप देखोगे तो ये जो है पूरा खाली बर्फ से एक दो फुट अलग है, वो तो टच हो गया तो पूरा हेलीकॉप्टर गिरेगा, पायलट वेनेबल सब लोग खत्म हो जाएंगे, और ये सब हो रहा है 22,000 फीट के आसपास। तो पर लकीली वो हेलीकॉप्टर पायलट ने एकदम उसको स्टडी किया, और ये वेनेबल से स्की के ऊपर चढ़ा, दरवाजा खोल के उसको उठा के चिल्लाता हुआ वेनेबल्स को अंदर ले लिया और हेलीकॉप्टर निकल गया। तो वो हिसाब से वेनेबल्स बच गया, क्योंकि फिर वो हेलीकॉप्टर जब मनशारी को आया तो हम लोग तो ये देख के चकित हो गए कि वेनेबल्स बच के आ गया है। सो वी हैड अ गुड गुड लॉन्ग टॉक विद हिम, उसका पाँव पे भी फिर ड्रेसिंग किया, ये बिठाया, और हम लोग बहुत चिंता में थे कि भाई इसको क्या हो गया कम्प्लीट करके। तो इट वॉज वन ऑफ द ग्रेट रेस्क्यू, वेनेबल्स को बचा के लाए, और उसके 1992 में ही हुआ। फिर वेनेबल्स को भी एक कम से कम 2 साल तक तो उसको क्या बोलते हैं फिजियोथेरेपी और ये ऑपरेशन तो सब काफी करना पड़ा इंग्लैंड में। पर अभी आप लोग कहते हैं कैसे ये है कि भाई इसको ये जब भी आप देखो तो उसके जिंदगी में पहले रुख से गुराई, फिर वो एवरेस्ट के अंदर फ्रॉस्टबाइट हो गया, और ये अभी ये टांग टूट गई, पर तो भी माउंटेनियरिंग नहीं छोड़ना है, उसको चढ़ना ही है, तो अभी भी वो थोड़ा घूमता है फिरता है चलता है सब कुछ करता है। तो यहाँ पे उसका भी हम लोग ने स्प्लिट लगाया, उसको पेनफुल लगाया, और उसकी स्पिरिट अभी भी हाई थी कि भाई नहीं कैसे है सब क्या है कैसे करना है वो करके, तो धीरे 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 कर तो उसको आगे लाए। तो अभी भी है तो उसका ये अभी रिसेंट फोटोग्राफ है जो स्कॉटलैंड में रहता है, और वहाँ पे बैठ के ये कम्प्लीटली वो देख रहा है करके। तो ये थी पूरी वेनेबल्स की स्टोरी। और मुंबई में आया उसके बाद तो फिर एकदम हम लोगों ने उसका पूरा रिकॉर्डिंग किया रखा, और फिर भी हमारा वो फ्रेंड है तो वो भी तो उसके साथ वो पूरा चलता है। तो अभी क्या करना है आगे बताइए आप। सर एक्चुअली बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस आपने जो बताया, जो आपके एक्सपीडिशन के ड्यूरिंग हुए थे, इसके बाद द लेजेंड दैट वी आर गोइंग टू नो इज दोर्जी लातो। ये नाम सुनने के बाद ऑब्वियसली सबके मन में यही सवाल आया होगा कि ये नाम थोड़ा सा शेरपा कम्युनिटी से बिलोंग करता है, सो व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द दिस लेजेंड, और वो जब दार्जिलिंग में सेट हो गए उसके बाद उन्होंने उनका पहला एक्सपीडिशन कब किया? अभी हमारे में तो कहते हैं कि शेरपा इज अ काइंड ऑफ अ कम्युनिटी, इट इज ऐसे ऑर्डिनरी वो पोर्टर्स ऐसा नहीं है, दे आर शेरपास। मतलब नेपाल के अंदर एक सोलो खुंगू करके जगह है, उसमें जो एवरेस्ट के नीचे खुंगू डिस्ट्रिक्ट है वहां के रहने वाले स्पेशल लोग वो शेरपा है। उनकी कुछ ताकत ही अलग है, उनका सब स्टेमिना भी अलग है, और उसकी चढ़ने की टेक्निक और वो भी सब अलग है। और ये शेरपा एक जमाने में एवरेस्ट एक्सपीडिशन दार्जिलिंग से जाते थे, तो नेपाल से माइग्रेट करते 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 आके दार्जिलिंग में बस गए। वो शेरपा में दार्जिलिंग में बड़ी बस्ती हो गई, और दैट इज वन ऑफ द मेजर सेंटर फॉर शेरपा। पर अभी जो लाटू है आज सबसे सीनियर शेरपा दार्जिलिंग में अलाइव है, 84, वो दार्जिलिंग में है, परंतु ही कम्स फ्रॉम नॉट नेपाल बट ही कम्स फ्रॉम तिबेट, सो दैट इज टू बी सीन।
So Dorji Lato is basically a Tibetan, but Tibetan Sherpa. बहुत सालों को जहाँ पहले उसके पेरेंट्स और सब तिब्बत में चुंबी वैली में जाके सेटल हो गए थे, अभी जो डोकलाम का झगड़ा हुआ उसके बाजू में. और इज वेरी हैंडसम मैन एंड वेरी ब्रिलियंट, वेरी फिट. तो खूब पढ़ा लिखा, खूब इतनी मेहनत से इतना उसने पढ़ा लिखा है कि विच इज रेयर फॉर अ शेरपा. उसने इंग्लिश की किताबें और वो भी इतनी सब पढ़ते हैं और वेरी वेल एजुकेटेड. और उसके लड़के भी काफी सब आगे बढ़े हैं. So he stayed in Darjeeling, but this is the village he came from, Chumbi Valley. Mein, there is a small village called Yatung. So Yatung village se wo jab young tha, tabhi wahan se aaya aur pass cross karke, Jhelapla pass cross karke aa gaya. Wahan young husband ka ek bada expedition bhi gaya tha. So lot of things are happening here. To uske wajah se usko thoda British ka bhi contact hua tha. Aur wo hisab se completely ye upar aake धीरे धीरे फिर दार्जिलिंग में आके बस गया. और उसके घर के ऊपर ये एक पीक है जो भूटान और इंडिया के बॉर्डर पे है, टोमो लहरी. ये अबाउट वेरी डिफिकल्ट पीक और अभी तक वो टाइम तक तो कोई चढ़ा नहीं था. सो आफ्टर अबाउट 10 इयर्स लिविंग इन दार्जिलिंग, वो HMI हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट में उसने काम किया और वो टेक्निकली भी बहुत एक्सपर्ट था. वो थोड़ा टाइम आर्मी में भी उसने काम किया. तो यार इंडिया और भूटान आर्मी का एक जॉइंट एक्सपेडिशन हुआ साथ में टू क्लाइम दिस पीक टोमो लहरी. वो उसके अंदर वो गया. इसके पीछे से वो जो भूटान से वो लोग इंडियन एंड भूटान एंड जॉइंट एक्सपेडिशन आके यहाँ आए, तो पहले लगभग एक महीने के बाद लाटू और एक इंडियन कैप्टन तो दोनों टोमो लहरी के समिट में पहुंचे. और वो सबसे पहला सक्सेसफुल था. दोनों ने फोटो लिया और वापिस आए. फिर दूसरे दिन दो इंडियन ऑफिसर और एक भूटान अमेरिका ऑफिसर ये पीक चढ़ने को चले, सेकंड अटेम्प्ट. फिर पहले बात हो गया, फिर दूसरा चढ़ेंगे. और वो लोग ऊपर पहुंचे और वापस आए नहीं कभी. तो दो दिन, चार दिन, छह दिन, फिर काफी उसके अंदर वो चिंता होने लगे कि भाई कहाँ गए, क्या हो गया, ये दिख रहे उसके नीचे गिर गए कि ऊपर है कि क्या है. वो भी लाटो भी फिर गया, काफी ऊपर तक तो नहीं जा सकते, नीचे से काफी इंक्वायरी किया. फिर दूसरे एक में ये भी था कि ये जो हमारे सामने दिख रहे हैं वो चाइनीज टेरिटरी है, पीछे भूटान. तो क्या चाइनीज में वो गिर गए, तो चाइनीज ने उसको गोली मार के गिरा दिया. वो भी काफी चीजें हुआ. फिर उन्होंने चाइनीज को पूछा तो दे ऑल्सो सेड कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया है और यहाँ हमको कोई गिरे हुए भी नहीं मिले. सो वो हिसाब से टोमो लहरी का जो हिस्ट्री था उसमें खाली लाटू और ये कैप्टन साहब था, वही दोनों चढ़े हुए हैं. बाकी अभी तक कोई भी जिंदा नहीं बचा और वापिस आया. उसके बाद फिर भूटान ने ये पीक को चढ़ने के लिए बंद कर दिया. So Lato is only expedition that Jesus climbed Chomo Lahri. Chomo Lahri is in Chumbi Valley. और यहाँ नीचे आप देख रहे हो अक्का. 1903 में जब यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन यहाँ से तिब्बत को गया, तभी ये सब ये लेके गए थे वो लोग अपने गन्स थोड़ा थोड़ा. और वो टाइम तक मजे की बात ये है कि तिब्बतियंस ने कभी जिंदगी में व्हील देखा नहीं था, साइकिल या तो कोई व्हील. वहाँ इतना खराब वो टेरेन है ऊपर नीचे, वो लोग जानवर पे लेके जाते थे, कुछ सामान उठाते थे, कभी यह व्हील से गोल राउंड से दिखाई नहीं था. और दिस वाज अ गन के हिसाब से वो लोग ज्यादा व्हील देखने को आते थे कि ये व्हील में गन कैसे चलती. तो दैट वाज आल्सो बिग इनोवेशन फॉर देम कि भाई ये हमको ये व्हील देखने को मिला. वो टाइम दार्जिलिंग एक बड़ा सेंटर था और वहां पे एक इमान क्लब का सेंटर के अंदर भी सब बैठ के लोग पूरा शेरपा का रिकॉर्ड रखते थे. वो रिकॉर्ड से हिसाब से जिसको जो एक्सपेडिशन में जहाँ जाना होगा उसको अलग अलग अलर्ट करते थे, भाई तू एवरेस्ट जा, तू यहाँ जा, तू वो जा. तो उसके लिए भी वो लाटू वॉज बहुत काम आता था क्योंकि पढ़ा लिखा था. और लाटू वॉज अल्टीमेटली मैरिड टू तेंजिंग का ब्रदर है गोम्बू, और गोम्बू की बहन को उसने शादी किया. ये तेंजिंग है राइट साइड में. सो वो लोग सब फिर वहाँ इकट्ठे हुए और HMI हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट में उसको इंस्ट्रक्टर की नौकरी मिली. तो वो वहाँ पे फिर अभी तक भी वहीं रिटायर वहीं से हुआ. तो तेंजिंग का और ये गोम्बू दाजू का वो खास फेवरेट था. उसने भी काफ़ी उसमें मेहनत किया और काफ़ी आगे बढ़ा और आल्प में गया, वहाँ क्लाइंबिंग किया और वेरी नाइस उसका. तो ईयर 2000 में जब मिलेनियम ईयर हुआ तभी हम लोग ने, मैं और वाइफ गीता हम लोग गए थे, तभी ऑर्गेनाइज अ मेजर गैदरिंग ऑफ ऑल लिविंग शेरपास. वो टाइम दार्जिलिंग में जितने भी शेरपा और उसकी फैमिली
ठीक हरेक को हमने बुलाया दार्जिलिंग के अंदर एचएमआई में, और वहाँ लाटू ने वो सब ऑर्गेनाइज किया था, और वो टाइम बहुत लोग इकट्ठे हुए थे जो पुराने नए शेरपा, और काफी अमुक अमुक शेरपा तो 90s में और 80s में थे सर, तो बेचारे आज तो कोई है नहीं, तो वही टाइम खास आए थे और हम लोग ने काफी मजा किया और बातचीत किया। और उस दिन भी बहुत ठंडा था दिसंबर के अंदर, इसलिए हम लोग समझे कि आज दोपहर को इन लोगों को क्या गर्म सूप पिला रहे कि चाय पिला रहे कि क्या करे इतनी ठंडी के अंदर लंच में। पहले हम लोग ने इसको पूछा शेरपाओं को, आप लोग क्या लेंगे, चाय बाय लेंगे, तो एकदम मुंह बिगड़ के नहीं सर तो सीधा ब्रांडी ही पियेंगे। तो शेरपा का पूरा कल्चर ही हुई कि वो लोग मस्ती और इतने तगड़े, आप उसको 12-1 बजे चाय दियो तो भी उनका मुंह खराब हो जाता है कि नहीं नहीं चाय बाय कुछ ब्रांडी या रम ही लाओ। बट बड़े तगड़े लोग हैं और बहुत फेमस और बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये भी सब बूढ़े बूढ़े लोग के साथ हम लोग वहाँ खड़े हैं नवांग बंबू आज, इसमें से ऑलमोस्ट आगे मैं बैठा हूँ, मेरे को छोड़ के मेरे पीछे की पूरी लाइन है ही नहीं, सब पास आउट हो गए बेचारे। तो एवरीबॉडी सब तो न्यू, और वो टाइम का जमाने का हमारा बहुत बड़ा गैदरिंग था। अभी हिमालय क्लब में वो टाइम 1928 से सिस्टम बनेंगे टाइगर का अवार्ड देने के, कोई शेरपा एवरेस्ट पे साउथ पोल पे या तो बहुत बड़ा अच्छा काम करेगा उसको टाइगर का बैच देते, टाइगर, और वो टाइगर का बैच बनाया था, दैट बिकम्स अ स्पेशल ब्रांड, ये टाइगर ब्रांड, ये टाइगर शेरपा है। और टाइगर शेरपा यानी एक अमुक उसकी कैटेगरी रहती है, जैसे अवार्ड हम लोग देते हैं वो जमाने में लोग वेरी प्राउड थिंग, हर एक शेरपा वो टाइगर का लेके फरेंगे, और उसको एक बुक दी जाती थी, तो बुक में जो भी किसके साथ गया उसकी वो एंट्री कराता था शेरपा का, लीडर का, सबका, और उसका जो टाइगर का बैच मिला वो भी वो वेरी प्राउडली रखते थे। तो धीरे धीरे करके सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 60s में ये सब सिस्टम बंद हो गई, और अल्टीमेटली जब 50-60 जो टाइगर्स थे उसमें ये लास्ट टाइम हमें 3 ही शेरपाए बचे थे, वो टाइगर्स सेंटर में नवांग गोम्बू है और ये खुद होती है और ये बाजू हुआ अपना गुरु जी, तो ये 3 ही शेरपा बचे थे 2000 में, आज वो भी 3 नहीं है। सो टाइगर में अभी आजकल एक मेरे ख्याल से है दार्जिलिंग में, बाकी कोई बचा नहीं है, परंतु इट वॉज अ वेरी ग्रेट थिंग, एंड ये तीनों ने इतना अच्छा काम किया था पहाड़ों में, इतना ग्रेट वर्क, ये दे वर द रियल टाइगर्स ऑफ माउंटेन्स। ये हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, जहाँ पे लाइफ लॉन्ग लाटू जी ने काम किया, और बाकी भी शेरपा ये पूरा उसका चौगान है, यहाँ पे यहाँ के सेंटर में लोग आते हैं, उसका स्टूडेंट लोग का ट्रेनिंग और सभी होता है, और ये उसका एंट्रेंस है, वहाँ पे वो लिखा है कि उसमें मे यू क्लाइम फ्रॉम पीक टू पीक, संस्कृत का उसने वो ट्रांसलेशन किया है कि आप पहाड़ चढ़ो, और यहाँ पे बहुत लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, मैं भी 1963 में यहाँ ट्रेनिंग के लिए गया था और वो करके आया, और तेंजिंग भी यहीं पे उसने जिंदगी निकाली। नाउ लाटू ने अनदर कैप चढ़ा वो आपको बताऊं, बोलो सर आपने दोरजी लातू के पहले आपने मतलब उनके पहले एक्सपीडिशन के बारे में आपने सब डिटेल्स बताई, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट एक्सपीडिशन व्हाट वाज हिज ग्रेटेस्ट क्लाइम्स, उनके बाकी अचीवमेंट्स कौन से हैं और उन्होंने बाकी कौन सी पीक्स क्लाइम की? वेल लातू अभी बाय दिस टाइम हैड बिकम अ ग्रेट क्लाइंबर ऑन अ वेरी वेल नोन, वेरी वेल पॉलिश्ड, और फॉरेनर सब उसको ले जाना पसंद करते हैं क्योंकि इंग्लिश भी बोल सकता था ना, सो वो हिसाब से उसको भी वो फर्क पड़ता है, तो वो हिसाब से ही वॉज गोइंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीडिशन। वन ऑफ द मेजर एक्सपीडिशन वॉज गोइंग टू नंदा देवी, ये जो सामने आपको दो पिक नंदा देवी के दिख रही है उसके अंदर वो 1960s में हो गया, और नंदा देवी एक ही बार तब तक चढ़ी गई थी 1936 में, और ही वॉज टू मेक अ सेकेंड अटेम्प्ट टू इट, तो फिर वहां पे गया, और 81 में भी गया विद द इंडियन लेडीज टीम। नंदा देवी इटसेल्फ इज अ वेरी चैलेंजिंग माउंटेन, क्योंकि नंदा देवी सेंचुरी के अंदर जाना है, और वो सेंचुरी में जाके आप फिर ये पहाड़ को चढ़ो तो 9-10 दिन का तो ट्रैक के बाद आपका क्लाइंबिंग चालू होता है, और उसके अंदर जो आपने किसी भी तरह का जो मिस्टेक किया तो बहुत तकलीफ पड़ता है, तो वो हिसाब से इसने बड़ी मेहनत से ये नंदा देवी चढ़ा। फिर नंदा देवी में एक दूसरा भी कांड हुआ था कि भाई अमेरिकन ने 1967 में उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा रखने का ट्राई किया था, तो उसकी बड़ी लंबी कहानी है, वो कहानी के अंदर भी लाटू इन्वॉल्व था उसके साथ ले जाने के लिए, ऑफिशियली था गवर्नमेंट की तरफ से पर पब्लिक को मालूम नहीं था, उसके अंदर भी लाटू इन्वॉल्व था, उसने भी वहां भी काफी मेहनत की, और ये टाइम उसकी फैमिली और सब भी डर रहे थे कि ये न्यूक्लियर के अंदर जा रहा है तो उसको कुछ तकलीफ ना हो जाए ना, लकीली उसको कुछ नहीं हुआ।
वो नंदा देवी में जाके आया और फिर नंदा देवी के बाद अगेन एक आध साल के बाद फिर एवरेस्ट चला और एवरेस्ट चढ़ के आया, इंडियन एवरेस्ट एक्सपीडिशन में जो गया था उसके अंदर ऊपर और चढ़ के आया और फिर ऐसे चलते रहा चारे बाजू करके। और वो उसका फिर प्रोफेशन हो गया, अलग 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 नई नई पीक छोटे छोटे जगह पे चलते रहा, पर नंदा देवी एवरेस्ट ऐसे उसके एक दो तीन सबसे बड़े वो क्लाइंट थे। अभी सर आपने जैसे बोला कि ही वाज एजुकेटेड शेरपा, वो बहुत ही पढ़े लिखे हुए थे और उन्होंने अपने शेरपा कम्युनिटी के लिए भी बहुत सा कंट्रीब्यूशन दिया है। सो एक्चुअली व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द शेरपा कम्युनिटी एंड हाउ द शेरपास आर बेनिफिटेड ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन? वेल, शेरपा के अंदर सब ताकत बहुत थी, ये बहुत था, पर एजुकेशन की बहुत कमी थी। कहने का भाई, कभी बंदर की पूंछ सीधी नहीं होती और कभी शेरपा भूखा नहीं मरता है। They are very good traders. कभी भी शेरपा को वो कोई तकलीफ नहीं होवे, जो हमेशा वो कामकाज कर सकते थे, पर उसके पास वो एजुकेशन का वो नहीं था कि जो हिसाब से वो यू नो वो कम्प्लीटली अपना सब काम कर सके। ये लाटोपा एवरेस्ट का है ये, और तो शेरपा के अभी संजोग ये आप देखो उस कम्युनिटी के लिए उसने काफी सब मेहनत और की है। लेफ्ट में लाटू है और राइट में अंग शेयरिंग करके एक शेरपा, ही वॉज 90 ईयर्स हम लोग मिलने गए कभी, आज तो नहीं है। अभी ये अंग शेयरिंग को भी उसको यू नो अपना राइट्स, उसका खाना पीना, ये वो पेंशन, रहने का घर, वो सब के अंदर भी लाटू मदद करेगा। और अंग शेयरिंग को भी खुद का पता नहीं था कि वो किसका क्या ग्रेट है। 1924 में ही हैड गॉन टू एवरेस्ट विद द ब्रिटिश। और आप में से जो किसी को एवरेस्ट की हिस्ट्री मालूम हो तो इससे कहा जाता था कि वो एक्सपेडिशन में इरविन और मैलरी करके दो क्लाइंबर और शायद एवरेस्ट पहले पहुंच गए, उसका कोई पता नहीं चला और वापिस आया, तभी वापिस आए भी नहीं, तो उसके बॉडी का अभी बहुत लेटर मिला। तो वो उसको लास्ट दिखने वाला था अंग शेरिंग, वो लास्ट कैंप में था अंग शेरिंग में पॉडेल करके एक ब्रिटिशर थे, वो दोनों ने इस दोनों के साथ शेक हैंड किया मैलरी और इरविन के साथ और फिर वो चले गए। और वो लास्ट जो पॉइंट में जो देखा था वो अंग शेरिंग ने उन लोग को देखा। तो ऐसे अंग शेरिंग की भी जो हिस्ट्री है वो लाटू ने बैठ के वो पूरा लिखा, उसका ये किया, उसका पूरा चैप्टर बनाया, लिखाई पड़ेगी। सो इट इज नॉट ओनली फाइनेंशियल बट बाकी इस तरह से अपनी भी ग्रेटनेस जानने के लिए, अपनी कम्युनिटी की ग्रेटनेस जानने के लिए भी लाटू जी ने बहुत काम किया है। और उसके बाद जो शेरपा की कहानियां हैं पुराने, क्या हुआ कैसे हुआ, तो वो भी आप सुनने को बैठो तो एक दो रात निकल गया आराम से। तो काफी उससे होशियार आदमी है। एक दूसरा एक एग्जाम्पल से दो, हम लोग और लाटू हम लोग घूम रहे थे बाजार में दार्जिलिंग के, और ये हम लोग को दिखाई दो शेरपा स्वेटर बेच रहे हैं बाजार के अंदर, विच इज अ वेरी ऑर्डिनरी जॉब। तो मैंने सरप्राइज हो गया कि लेफ्ट में है जो बिकेन शेरपा और ये है अपना डानन क्या है। तो मैंने, ये दोनों इतने ग्रेट क्लाइंबर है तो ये लोग आज बैठ के यहाँ स्वेटर क्यों बेच रहे हैं? और दोनों ने HMI के अंदर 30-40 साल नौकरी की है। ग्यालजन जो है लेफ्ट में वो मनासलू करके पीक चढ़ा था जापानीज के साथ और इतनी खतरनाक पीक थी, उसने इतनी मेहनत की थी वहां के, अल्टीमेटली तो लोग घूम गए तो बोलते हैं कहते कि जूते के सोल चबा चबा के वो लोग ने एक रात अपने को बचा के रखा ठंडी में। और दानामगेल शेरपा वॉज पहला जो एक्सपीडिशन तेंजिंग चढ़ा गया उसमें जबरदस्त सामान उठा के वो साउथ पोल पे पहुंचे और लास्ट कैंप तक उनको सामान लेके गया, उसकी वजह से ही नेक्स्ट डे ये लोग चढ़ सके। ये दो शेरपा रिटायर हो गए तो उसको कोई पेंशन नहीं दिया, कंसीडर क्लास 4 शेरपास बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट से रवाना रिटायर हुए तो उसको कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं, उनके पास घर था, बच्चे थे, खाना पीना था, परंतु अपना परचुरन जो छोटा मोटा खर्चा ये वो के लिए मुझे चाहिए। तो बोला कितना चाहिए आपको? आपको 300-400 रुपया दर महीना मिल गया तो हम खुश है, पर गवर्नमेंट उतना भी पेंशन देने को तैयार नहीं थी। तो फिर मैंने हमारे साथ कि भाई चलो आप HMI में चलो हिमालयन, वहाँ साहब आए हुए हैं दिल्ली से, अब उससे बात करो। ये दोनों आए वहाँ, साहब को बोला कि भाई हमको सर पेंशन मिलना चाहिए, तो डेट फॉलो वेरी रूडली से नहीं नहीं मिलेगा भाई जाओ, ये लोग बेचारे गरीब आदमी क्या बोल सकते हो, इसलिए यहाँ के बैठे और फिर स्वेटर बेच रहे हैं। अभी हम इससे टाइम पास हमारा कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मिला उससे हमारा चलता है, भूखे नहीं मर रहे थे बट ये भी उसकी तकलीफ थी। सो हम लोग भी यहाँ बैठ के उसको ऐसा भी देखो तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि भाई इतने बड़े शेरपा ये कर रहे हैं। सो लाटू उसके साथ हम लोग ने डिस्कस किया और लाटू ने भी बताया कि मैंने कुछ उसको करना चाहिए। तो जब ये जैपनीज और ये अंग्रेज जिसके साथ दानम गया, उनको मालूम पड़ेगा कि नहीं हम उसको पैसा भेज देते हैं
तो नहीं ये दोनों ने ना कहा और लाटो ने भी करना ऐसे नहीं चाहिए हमको, गारंटी से पैसा नहीं चाहिए, ये दोनों को तो आप भेज दोगे 300-300 रुपया करते हर महीने का, परंतु बाकी का क्या, बाकी आगे भी जो लोग रिटायर होंगे दूसरे भी जो लोग हैं उसका क्या है, हम लोग को ऐसा चैरिट नहीं करना है, पर एक रूल रेगुलेशन बनाया है सरकार के अंदर के जिस तरह जो शेरपा है उसको इतना मिलना चाहिए, वो भी अगर ऐसा गारंटी करते करते भी कब तक चलेगा, बट तो ये गवर्नमेंट वाले सब सुनते नहीं थे, तो फिर हमने ये फोटोग्राफ लिया, आजू बाजू वो दो शेरपा जो स्वेटर बेचते हैं और बीच में लाटो खुद खड़ा है जवान एंड वर्किंग इन HMI, और इसके नीचे हमने बड़ा किया दो दार्जिलिंग के स्वेटर बेचने वाले और बीच में एक फ्यूचर का स्वेटर बेचने वाला, ये भी रिटायर होगा ये भी यहाँ स्वेटर बेच के बैठा होगा, सो ये जो इससे हम टॉन्ट मार के ऐसा लिख के दिया है टू स्वेटर सेलर्स एंड वन फ्यूचर स्वेटर सेलर, ये मैंने पब्लिश किया और ये बहुत जगह पब्लिश हुआ, फॉरेन के प्रेस के अंदर, इंग्लैंड में, दिल्ली में, सब जगह पे, और इसके लिए गवर्नमेंट पे और या इंडियन माउंटेन फंड पे काफी प्रेशर आया कि भाई शेरपा को आप ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि इतने ये बड़े अच्छे अच्छे शेरपा है उसको आप कुछ नहीं दो, तो फिर विद इन 6 महीने के अंदर वो लोगों ने सब रूल चेंज किए और देवर इंक्लूडेड इन पेंशन, टूडे ऑल शेरपा रिटायरिंग रिसीव पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली ये दिया दो तो बेचारे अभी मर चुके हैं, पर तो अभी जितना भी लोग हो गए उसको पेंशन मिलेगी, लोगों को जो चैरिटी नहीं जोती थी और अपना राइट जोता था तो अधिकार भी उसको मिला, और वो हिसाब से भी लाटू ने बहुत बड़ा काम किया, बाकी तो उसने शेरपा बुद्धिस्ट एसोसिएशन शेरपा के अंदर बाकी भी बहुत सब काम किया है छोटा मोटा और काफी हर एक को मदद करते हैं, तो ये आज लाटू 80s में अपने घर में बैठा है, उसके पीछे वाइफ उसके पीछे है और घर के अंदर वो बैठ के काफी वो आराम से कर रहे हैं, तो आज हैप्पीली वो शांति से बैठ के अपना घर में काम करता है, दार्जिलिंग गए तो 2-4 दिन तक बात करने पूरा नहीं होता है। सर दोरजी लातो के टाइम पे उनको छोड़ के दार्जिलिंग में और कौन से शेरपा थे कि जो बहुत ही काबिल थे? वेल वो टाइम एक दो तो मैंने आपको दिखा, एक अंग शेरिंग थे वॉज वेरी गुड, दूसरा एक वांगडी करके था, वांगडी शेरपा जो अल्टीमेटली वो छोड़ के वहां से वो चला गया मनाली को, और बाकी तो बहुत से शेरपा थे छोटे छोटे मोटे मोटे अलग अलग हो गया भाई वो टाइम, फिर शेरपा सब नेपाल चले गए क्योंकि नेपाल के अंदर वापिस एवरेस्ट खुल गया और सब लोग सब वो नेपाल जाने लगे, तो वो हिसाब से वो कम्प्लीटली वो फिर वहाँ शेरपा की कहानी पूरी हो गई, और आजकल जो दार्जिलिंग में शेरपा के चिल्ड्रन है वो है, पर बाकी बाकी का कोई आजकल फेमस शेरपा इतने रहे नहीं है। सर अभी नाउ वी आर यस सर सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मोस्ट अवेटेड सर क्रिस बॉनिंगटन, मला सगळ्या ऍक्च्युअली व्ह्यूअर्सना हे सांगायचंय की आता क्रिस बॉनिंगटन हे नाव आपण सगळ्यांनी ऐकलेलं असेल, एक अत्यंत गाजलेलं अत्यंत सिनियर असं आपल्या फील्डमधलं व्यक्तिमत्व आहे, आणि आता त्यांच्या संपूर्ण प्रवासाची स्टोरी आपण हरीश सरांकडनं जाणून घेतोय, मला कॉन्फिडन्स आहे की आतापर्यंत हे जे दोन लेजंड सरांनी सांगितले तर त्यांच्या सगळ्या स्टोरीज तुम्हाला 100% आवडलेल्या असतील, आणि आजचा प्रवास आपण असाच सुरू ठेवणार आहोत। सर मुव्हिंग टुवर्ड्स सर क्रिस बॉनिंगटन, व्हॉट वॉज ऍक्च्युअली बॅकग्राऊंड ऑफ द क्रिस बॉनिंगटन और उनका मतलब टुवर्ड्स ग्रेटनेस जो जर्नी शुरू हुआ वो कैसे शुरू हुआ? वेल सर क्रिस बॉनिंगटन वो भी पहले सर तो उसको खिताब बाद में मिला, परंतु वो वहां पे इंग्लैंड में बड़ा हुआ और धीरे 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 वो आगे बढ़ते गए, उसकी पूरी स्टोरी तो आपको बताऊंगा, जब मैंने उसको पहली बार मिला वो हमारे घर पे जो आए थे, तो वो बाई वॉट टाइम तक उसने 92 तक भी 13 बुक्स लिखे थे, बड़ी 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 फेमस बुक्स, तो हम लोग ने 13 बुक्स का पूरी थप्पी लगा के ली और उसको वो लिखने के लिए बिठाया सिग्नेचर करने के लिए, सो यू कुड सी कि ऑलरेडी वाज अ वेरी ग्रेट मैन, आज तो उससे भी काफी हो गया, अभी तो काफी बुरे भी हो चुके हैं, परंतु वो बुक लिखी है उसके बारे में वो काफी फेमस था, अभी कोई आदमी फेमस बनने के लिए ऐसे ही फेमस नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो टाइम जो आया था हम लोग ट्रैकिंग सह्याद्री के अंदर अपना घूमने को गए, वो टाइम माथेरान गए थे और रगबी होटल में उसको एक गुजराती थाली पूरी खिलाई और इतना उसने खा लिया कि फिर उसका आंख ही नहीं खुली रहती, तो फिर बाजू में प्रेम मास्टर पार्क के बेंच पे वो सो गए सर बॉनिंगटन, और इतना जोरदार नस्कोरे बुला रहे थे क्योंकि इज फेमस फॉर स्कोरिंग, तो पूरा माथेरान मेरे ख्याल से हिल गया होगा, तो ऐसा ही ये लोग में मेन चीज है कि अपने समझो कोई मिनिस्टर लोग है कि ये बड़े लोग है, ऐसा लोकल ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे बेंच पे नहीं सोएंगे, ये लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर बॉनिंगटन हमारे साथ लोकल ट्रेन में आया थर्ड क्लास में गप्पा मार के अंदर घुस गए,
और पे मास्टर पार्क में सो गए। ऐसे माउंटेनिंग वाले इनफॉर्मल बहुत रहते हैं। तो 83 में फर्स्ट टाइम एनी केम टू दिल्ली, नॉट फर्स्ट टाइम बट मेनी टाइम, तभी हम लोग पहली बार मिले। हियर इज टॉकिंग टू गीता एंड जिम फोदरिंगम। सो वो दोनों लोग आए थे कुछ टाइमिंग के लिए यहाँ पे, और इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन का 25 साल पूरा हो रहा था, वहां हम लोग मिले। तो वी फाउंड इट वेरी इजी टू टॉक टू, बाकी हम समझे कि इतना बड़ा क्लाइंबर है उससे कैसे बात करनी है, हमको बच्चे हैं अभी, परंतु नहीं, कंफर्टेबली आराम से बात करता है कंप्लीटली, और खाना पीना शेयर एवरीथिंग करके उसका वो पूरा चलता है। पर उसकी शुरुआत हुई इंग्लैंड से। और ये मोटर बाइक में उसके आगे बैठे एक डॉन विलन्स करके हैं इंग्लैंड का, वेरी सॉलिड क्लाइंबर, कोल माइनर था पर स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर। और भाषा के अंदर भी कोल माइनर जैसी भाषा, सेकंड वर्ड में गाली दे दी तो कोई नई बात नहीं है। तो वो और बॉनिंगटन को, दोनों को दोस्ती जम गई, और वो और बॉनिंगटन इंग्लैंड के अंदर काफी चढ़ने लगे, और धीरे 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 जाके वो आल्प्स के अंदर चढ़ने लगे। आल्प्स के अंदर एक पीक है आइगर, नॉट हाईएस्ट पीक पर आइगर करके एक पीक है, उसका एक उत्तरी भाग नॉर्थ फेस है विच इज कंसिडर्ड वेरी वेरी डेंजरस। वो कोई चढ़ नहीं सकता था जल्दी, लॉट ऑफ एक्सीडेंट हुआ, लॉट ऑफ मारामारी हुई उसमें। सो नॉर्थ फेस ऑफ आइगर वॉज द मोस्ट चैलेंज। तो डॉन विलन्स और क्रिस बॉनिंगटन फर्स्ट टाइम ये दोनों वो नॉर्थ फेस ऑफ आइगर चढ़ने को गए पहली बार। तो वहाँ वो लोग कुछ रेस्क्यू में इन्वॉल्व हो गए, जो लोग थे वहाँ बाकी की टीम में तकलीफ होगी उसको बजा के लाए। देन दे वेंट एंड क्लाइम्ब दिस नॉर्थ फेस ऑफ आइगर फर्स्ट, दैट मेड हिम फेमस। भाई विलन्स के साथ ये पूरा ये चढ़ गया, and that was his very good beginning of going towards the Himalaya. He got married very early, and this is his coming out of the church after marriage. And SIV bahut paisa pagal pan karte the, aur trying out new helmets. Wo helmet mountaining ke liye fit hai ke nahi, to pehen ke beta upar se hathodi maar raha hai ke whether usko andar chalta hai ke nahi. Ye sab mountaineer log aisa naya jeete bahut cheez karte rehte hain. So this is testing out the new helmet. And there are lots of cartoons about him, and a lot of his writing about him and his family. So this is one you could see, Bonington, or uske baare mein, father ke baare mein. And this one is very famous cartoon, the Bonington snores, it's official. The Bonington tent ke andar itna snore kare ke aap uske aaju baaju mein ke reh nahi sakte. Hum log bhi sab expedition uske saath gaye, uska tent zara door lagana padta hai. नहीं तो रात भर आपको सोने को नहीं मिले, उसका जोरदार स्नोरिंग चालू हो गया। तो और हमारे पोर्टर्स को भी कभी उसके किचन के बाजू में टेंट लगा हुआ, तो वो लोग भी ऑब्जेक्शन लेके, सर इधर नहीं, हमको रात भर सोने नहीं मिलेगा, उसको वो बाजू ले जाओ। तो बॉनिंगटन का स्नोरिंग इज वेरी फेमस। और दूसरा ये भी है कि उसका स्नोरिंग ऐसे लाउड एंड क्लियर नहीं है, पर कभी कभी ऊपर नीचे स्नोरिंग होता है। एक दिन हम लोग सुबह को उठे तो पूरा एक टूरिस्ट का ग्रुप उसका टेंट के आजू बाजू बैठ के देख रहा था, अंदर स्नोरिंग का आवाज आ रहा था। तो बोला क्या हो गया, कि हमारे हिसाब से अंदर कोई जानवर फंस गया है। कोई जानवर नहीं फंसा सर, बॉनिंगटन सो रहे, उठा उसको, क्योंकि उसका स्नोरिंग वॉज वेरी अप एंड डाउन, एनिमल को ब्रीथ करता है सर। तो ऐसी काफी उसके बारे में मजा हो रही हो, मजा आप उसको भी कर सकते हो। और एक्सपेडिशन और जब प्लानिंग है तो इज वेरी परफेक्ट, उसका जो आप कामकाज देखोगे, उसका जो दिखाई पढ़ाई देखो तो अप टू डेट। और इंग्लैंड के अंदर मेजर एक्सपेडिशन और बड़ा क्लाइंबिंग की शुरुआत सब उसने की, जो हम अभी देखेंगे। इंडिया के अंदर वो आके शिवलिंग के वेस्ट पीक चढ़ाए, और फोदरिंगम 1983 में, कि जो बड़ा खतरनाक क्लाइंब था, नीचे का और ऊपर का भी, खास करके पैच समिट पे जाने के लिए, तो इट बिकेम अ वेरी फेमस क्लाइंब उसका, स्विलिंग वेस्ट पीक। एंड देन हम लोग 85 में पहली बार साथ में आने वाले थे, वो वेनाबल्स के साथ जो गए थे अपना रिमो एक्सपेडिशन में, सियाचिन ग्लेशियर में, और वो भी आने वाला था हमारे साथ। और फिर उसका लास्ट मिनट अबाउट दो महीने पहले ही आया मुझे लेटर, वो टाइम ईमेल नहीं था, कि भाई मुझे नॉर्वेजियन ने एवरेस्ट आने के लिए इन्वाइट किया है, मेरे ख्याल से मैं एवरेस्ट जाऊँगा। क्या एक बेसिकली मेरे को हर एक लेक्चर में लोग पूछते हैं, तो एवरेस्ट चढ़ा है, एवरेस्ट चढ़ा है और मैं नहीं चढ़ा हूँ, तो उसको क्या बोलना। सो इज अ रिजल्ट के लेट मी गो एंड फिनिश ऑफ एवरेस्ट। तो क्यों एवरेस्ट गया, ये परतंबा के साथ गया, उसका भी एक बड़ा अच्छा दोस्त है, नेपाल का फेमस शेरपा है। परंतु मेन आदमी का वो है कि एवरेस्ट चढ़ने के बाद भी वापिस आया
तो मैंने उसको लिखा कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन क्रिस एवरेस्ट चढ़ गया था कि नहीं नहीं मैं तो एवरेस्ट चढ़ गया, मेरे को चार लोग गधे की तरह ऊपर ले गए उठा के, परंतु आप लोग ने जो रिमो में किया है क्लाइंबिंग और एक्सपेडिशन दैट इज फार मोर वर्थी, मैंने पूरा मिस किया। और तो इस तरह का छोटा फुट क्लाइंब मैंने मिस किया, पर एवरेस्ट तो ठीक है मैंने पता डाला कि इसको पीछे चढ़ा है तो कहा चढ़ा बोलने के लिए। इसलिए इतना भी दिमाग ठिकाने रखना और जानना कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है, एवरेस्ट की हाइट होगी परंतु क्लास का वो रिमो में था तो समझ के उसने वो बराबर वो हिसाब से हमें बताया। और इसके बाद फिर स्लोली उसको एक ये सर का खिताब मिला, he was Chris Monnington, with this he become Sir Chris Monnington and but abhi he hates to be called sir, aapko usko Monnington ya to Chris bol ke hi bolna padta hai। aur ye right mein uski wife Wendy, very nice famous lady, she passed away in around 10 years before। so now Monnington ke sath hamara dosti tha aur constantly idhar wo aate chete chalta raha। okay now we have to share his other expeditions। सर बॉरिंगटन सर ने बहुत से न्यू आइडियाज जो है वो माउंटेनियरिंग फील्ड में इंट्रोड्यूस किए थे एंड ही हैज कंट्रीब्यूटेड इन सम ग्रेट वे व्हिच हैज बेनिफिटेड द एंटायर माउंटेनियरिंग फील्ड। सो एक्चुअली उनके मेजर कंट्रीब्यूशंस क्या थे और उन्होंने जो मेजर आइडियाज क्लाइंबिंग के लिए इंट्रोड्यूस की थी सो वो क्या है? क्लाइंबिंग में पहले ऐसा था या तो अभी भी काफी जगह ऐसा है, एक माउंटेन आपने देखा आप उसका इजिएस्ट रूट ढूंढो कि यहाँ से आसान रास्ता है यहीं से ऊपर चले जाओ, एम वही है कि समिट के टॉप में पहुंचो। क्लाइंबिंग तो होता रहेगा पर समिट के टॉप तक पहुंचो, और अभी तक इंडियन क्लाइंबिंग भी वही हो रहा है और मेजोरिटी अदर एक्सपेडिशन ऑल्सो फॉरेन के वो इजिएस्ट रूट से चढ़ता है। पर बॉनिंगटन ने कहा कि भाई समझो अन्नपूर्णा वो इसी रूट से चढ़ा गया है, आज उसको हार्ड वे से चढ़ना है और डायरेक्ट रूट से चढ़ना है। So, a mountain में hard way, the hard way up was his major concept, जिसके हिसाब से mountaining में बहुत फर्क आया। बाकी एक बार अन्नपूर्णा चढ़ गया था फिर उसको कोई चढ़ने को जाने वाला नहीं था, परंतु because of his hard way up, there are other routes, different route, और बहुत चीज मिलती है and you have to go by hard route of अन्नपूर्णा and that becomes a very important thing. Like now this, अन्नपूर्णा was climbed first in 1950s by French people and that route was now considered easy। अभी मैंने तो about 300-400 बार चढ़ गए होंगे। So he developed के भाई अन्नपूर्णा का south face से ऊपर चढ़ना चाहिए। तो south face is खतरनाक, वो time में ऐसा climbing होता नहीं था and that challenged the climber और पूरा sport, mountaineering का sport ही उसके वजह से आगे बढ़ा। So this is what is something you know great he did। This is one of the major contribution। Another thing is contribution was you know raising finances, money, and not to be afraid of any government things, and you can you know speak very bluntly against all the governments and everything. करके उसका, so as a result, this is his famous expedition called Annapurna South Face. ये पूरा आप रास्ता देख सकते हो, ये पूरा ये रास्ते से ये completely ये ऊपर गया है, और इसके अंदर हर एक जगह पे काफी है। इसके लिए भी उसने इंग्लैंड की एक टीम तैयार करी, which he was very good at. इंग्लैंड में बहुत यंग चढ़ने वाले हैं माने वो एम्बिशियस जोश वाले, तो हर एक को समिट पे पहुंचना है तो हर एक को फिर कैसे मल्ट करना, कैसे उसको रखना, कोई ऊपर जाएगा कोई नीचे आएगा, उसको कैसे अरेंजमेंट करना, कोई रूट गया कोई रोना धोना किया मैंने गड़बड़ की तो उसको कैसे मनाना, और कभी जरूर पड़े तो अथॉरिटी से नहीं तो बैठ जा, वो भी सब बोलने के लिए वॉनिंगटन वॉज एकदम एक्सपर्ट। तो दिस इज अन्नपूर्णा साउथ फेस, पर अभी इतना भी सेफ्टी से एक्सपेडिशन किया और उसका ये फ्रेंड था इयान क्लाउड। द होल एक्सपेडिशन वेंट ऑफ ब्यूटीफुली अंतिम में लास्ट डे एक बड़ा आइस का क्लिफ था उसके नीचे सब लोग पास होते थे और ये इयान क्लाउड पास हो रहा था तभी वो क्लिफ टूटी और वहीं का वहीं वो मर गया। उसके आजू बाजू डॉक्टर और दो लोग 25 फुट खाली दूर थे पर उसको लेने को आ, उसके पहले इतना बड़ा आइस का चंक पड़ा था कि उसको बचा नहीं सके। तो इस तरह बॉनिंगटन में लाइफ के अंदर ऐसे ट्रेजेडी भी बहुत हुई है, लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स हैव डाइड इन माउंटेंस। ऑलवेज बहुत इमोशनल हो जाते हैं बोलने के टाइम कि भाई इसका है तो भाई मेरा हाउ डू आई फेस द यंग वाइफ, क्योंकि नई जवान उसकी वाइफ है बच्चे हैं तो उसको जाके भाई इंग्लैंड में क्या बोलूँ कि भाई योर माई फ्रेंड इज डेड, तो वो हिसाब से भी उसको काफी वो तकलीफ होती है। फिर दूसरा उसने नेक्स्ट एक्सपेडिशन किया उस एवरेस्ट बाय अ डिफिकल्ट रूट, यू नो द अनक्लाइंबिंग नॉर्थ ईस्ट रिज विच इज एवरेस्ट का एक नया रूट, जैसे वेनाबल्स कामचुंग फेस से गया था इसे नया रूट।
इसके अंदर भी उसके दो फ्रेंड थे जो अपना ये दो गए थे वहां पे, तो वो दोनों यहाँ पे लॉस्ट हो गए, वापिस आए नहीं मुझका, जो तास्कर एंड पीटर बोर्डमैन। तो उसके लिए भी उसने बहुत मेहनत की, बहुत ढूंढा, बट नथिंग वाज फाउंड। आज भी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है। तो एक आदमी को चढ़ने के लिए भी सब फेरस करना पड़ता है। बट देन लास्ट ग्रेट सक्सेस वाज ऑन एवरेस्ट द हार्ड वे। पहले जैसे अन्नपूर्णा में उसने हार्ड रूट निकाला, इस तरह एवरेस्ट में भी हार्ड रूट निकाला हुआ, इसका फेस्ट फेस। एवरेस्ट नॉर्मल रूट से तो आजकल ज्यादा पूछो तो अनफॉर्चुनेटली कोई ज्यादा कीमत रही नहीं, बहुत लोग जाते हैं आते हैं, और इट इज अ मैटर ऑफ मनी कि आप कितना खर्चा करके चढ़े गए। बट साउथ वेस्ट फेस इज चैलेंजिंग, वेरी डिफिकल्ट। और ये फर्स्ट टाइम 1972 में वो गया, तभी ये लोग 300 फुट के लिए रह गए खाली और वापिस आना पड़ा। तो ही मेड अनदर एक्सपेडिशन इन 1975 और वहां जाके फिर वो साउथ वेस्ट के लिए लगाया। तो वो टाइम उसको बहुत पैसे लगते थे, उसको 1,500 मिलियन पाउंड चाहिए, तो फिर वो नहीं मिल रहे थे पाउंड। तो अल्टीमेटली बार्कलेस बैंक ने उसको पैसा स्पॉन्सर किया, परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट और वो भी सब पूछ रहे कि बार्कलेस बैंक को और कोई काम धंधा नहीं है कि बॉनिट इनको 300 फुट चढ़ने के लिए इतना पैसा वो दे रही है, एक कैसी बात है इनके। बॉनिटन ने वेरी स्पिरिटेड जवाब दिया उसको, थैंक गॉड इकोनॉमी इज नॉट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, मेंटेन ह्यूमन स्पिरिट जो हमारी ताकत है उसके लिए भी कुछ होना चाहिए ना। दैट इज द स्पिरिट विच हैज वंस मेड द ब्रिटिश एम्पायर व्हेन द सन नेवर सेट। ये जाना है और ये करना ही है, और इसके लिए बार्कलेस बैंक दे रहा है, वही इंग्लिश कंट्री की ये शान है भाई। देन ही वेंट एंड देन दे क्लाइम बाय द साउथ वेस्ट फेस। दिस इज ऑन द साउथ वेस्ट फेस, वहां पे वो परतेम्बा ऊपर चढ़ के बैठा है, एंड दैट वाज वन ऑफ द यू नो ग्रेट क्लाइम ऑफ द सेंचुरी करके। देन उसके बाद फिर वॉरिंगटन ने यू बिकेम वेरी वेरी फेमस, और चेहरे बाजू से पूरा वो लग गया। ओके नाउ व्हाट इज नेक्स्ट सर? एक्चुअली बॉनिंगटन सर की और आपकी बहुत ही गहरी दोस्ती है, आपके दोस्ती के किस्से भी बहुत मशहूर है। सो आपकी और उनके पहली मुलाकात कैसे हुई, और आप दोनों की पहली एक्सपीडिशन कौन सी थी? Well, सबसे पहले तो हम लोग बना आपको दिल्ली में मिले, और फिर बातचीत ये वो सब चालू थी, और इतना वो इजी गोइंग आदमी है और इतना अच्छे हैं कि बात नहीं पूछो। पर आपको ये एक लगेगा फिर समझो, हम लोग नॉर्मल इंडिया में क्या कर रहे हैं कि फॉरेनर हो तो थोड़ा डरते हैं, गोरी चमड़ी है ऐसा वाला, पर ऐसा नहीं। वो लोग को भी प्राउड इंडियन सबसे अच्छा लगता है। आप कंपनी बोलो कि भाई नहीं ठीक ठाक है, तो भैया आप बराबर कर गए। तो वो हिसाब से हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई कि भाई आप बॉनिंगटन को बोलो कि देख हमारे इंडिया में ये है वो है, तो एकदम वो भी खुश हो जाता है। और ऐसा इंडिया से उसको राजधानी ट्रेन में ही हमेशा में ले जाता था कि देख इस ब्रिटिश के पास ट्रेन नहीं है तुम्हारे पास। वो हिसाब से हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई, बिकॉज दे लाइक पीपल हु आर यू नो वेरी स्ट्रांग एंड प्राउड। सो फर्स्ट टाइम व्हेन ही केम वाज इन 1992 आवर मेजर एक्सपीडिशन के लिए। सो दैट टाइम ही वाज जस्ट कंप्लीटिंग 60 इयर्स। तो वी इंट्रोड्यूस हिम कि भाई अपने में षष्ठी पूर्ति की जो पूजा होती है ना, 60 इयर्स की सेरेमनी, तो मतलब वॉरिंगटन को क्रिस को बोला गया ये करनी है आपको, कहाँ क्या है उसको समझाया, गीता ने पूरा एक्सप्लेन किया उसको। फिर हम लोग ने महाराज को पकड़ के लाया जो अंग्रेजी जानता था, तो महाराज ने उसको पूरी पूजा कराई षष्ठी पूर्ति। दैट इज यू नो एक्सप्लेन दिस इज फॉर थैंकिंग गॉड फॉर गुड 60 इयर्स एंड लुकिंग फॉर अनदर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ 40 इयर्स ऑफ योर लाइफ। तो उसको ये बहुत पसंद आ रहा है। पूजा करते 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 ही वो आंखों में जो पानी आ रहा था उसके, मेरे इतने दोस्त थे उतना ये थे वो थे सब चले गए। सो वो हिसाब से भी इट वॉज अ वेरी गुड फॉर हिम टू यू नो दिस षष्ठी पूर्ति की पूजा। और अभी तक काफी जगह बोलते रहा और दिखाते ही रहा सब चारे बाजू, उसको ये पूजा इतनी अच्छी लगती और ये आरती कैसे कर रहा हो ये कैसे कर रहा हो वो भी सब, उसको एकदम कम्प्लीटली इंडियन हो गया। हमारे घर में ही आते फिर रहता है, अभी इनसे बाद में भी लेक्चर करने को आया तो ये लोग ताजमहल होटल में क्या कहीं भी जगह देवे, यानी होटलों में बहुत रहा हूँ तो घर में ही रहेंगे, तो घर में ही रहता है हमारे साथ। फिर हमारे एक्सपेडिशन चला तो स्टेशन के ऊपर ही सब सामान लोड कर रहे हैं, लेफ्ट में नवांग है और राइट में सोनम और बीच में मैं और बॉनिंग। तो पूरा वो मेहनत किया, वो लोग में ऐसे लड़के भी अपने आके सामान वामान नहीं उठाते, इसके पे आते थे बच्चे आके सामान ले जाएंगे, यस व्हाई नॉट, दे आर प्राउड ऑफ इट, ओह वेरी गुड आवर चिल्ड्रन वोंट डू दिस, वेरी गुड अच्छा है। सो देन वी रीच्ड यू नो द प्लेस पंचचुली जो अभी हम लोग ने थोड़ा सा देखा था, तो वहां पहुंचे और ये बेस कैंप लगाया। अभी यहाँ से रूट ढूंढना था, सबसे पहले तो राइट साइड में बॉनिंगटन गया, और आप देखो इतना
खतरनाक रूट था, ही वाज वेंट थ्रू ऑल क्रेवासेस एंड वन थिंग इज गुड, हिज टेक्निक इज वेरी गुड एंड इज नॉट अफ्रेड. वंस द रोप्स एंड एवरीथिंग इज फिक्स्ड, जानता है कि सब सेफ्टी से है, तो फिर उसको उसकी कोई चिंता नहीं है. तो वो हिसाब से इधर ही अंदर गया और फिर ये ऊपर ये वॉल के ऊपर से रास्ता बनाया. हम लोग कॉन्स्टेंटली कहते हैं कि नहीं दूसरी बाजू चलो, दूसरी बाजू चलो, तो कि नो. और यहाँ जो आधा चल रहा था तभी नीचे का पूरा वॉल गिर गया, गिर गया तो फिर वो टंगा रहा था. तभी मैं पीछे से पूछ रहा हूँ उसके, भाई डू यू थिंक स्टिल अभी हम लोग यहाँ से आवे? तो ये बेचारा नहीं बोलता, नो नो नो, इफ आई वाज यू आई विल नॉट कम हियर, विल गो समवेयर एल्स. तो वी आर नॉट बॉर्न इन, हम लोग तो इधर ही कापड़ी आए भाई, तो वहां से जाते हैं. सो देन वी इमीडिएटली यू नो चेंज टू द अदर साइड एंड ही लिटरली फॉलोड अस, व्हिच वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट रूट अल्टीमेटली. बट देन ऊपर जाके वी मेड अ वेरी बिग कैंप एंड स्टार्टेड क्लाइंबिंग यू नो ओवर पंचचोली माउंटेन्स. First, Bonington climbed peak called Sahadev, very highly technically qualified peak in the Panchachuli area. And he was climbing it after a long time, Panchachuli 2. So he was very happy and, you know, looking up everything. This all is happening in his life at around 70 years. So he was definitely very 65 years. He was always there. And yeah, Victor Saunders uski ye masti karta hai. Bonington ko BD de raha hai. बॉनिंगटन वहाँ इंग्लैंड में बहुत एंटी स्मोकिंग कैंपेन में करता है, स्मोकिंग मत करो. अरे ये कहकर ये तू अभी बीड़ी का एक इसमें ले तो मैं तेरा एंटी स्मोकिंग पूरा खत्म कर दूँ. तो इसीलिए हम लोग हस्ती करके ये जरा मजा कर रहे हैं. देन रोज बैठ के शाम को हमारा बहुत डिस्कशन टॉपिक वो सब काफी चलेगा. तो देट इज ऑल्सो ऑल गोइंग ऑन. और फिर ये बॉनिंगटन का जो एक्सीडेंट हुआ वेनेबल्स का जो हमने अभी देखा, ये उसके बारे में भी ये पूरा उसका है. और ये बॉनिंगटन उसको वेनेबल्स हेलीकॉप्टर में रिसीव कर रहे हैं. और वो खुद भी गिर गया था और आप देखो उसके मुंह के अंदर भी देयर इज अ बिग स्कार. वो स्कार के हिसाब से भी उसको कम्प्लीटली उसकी वो तकलीफ हो गई है. देन ही रिमेंड इज स्पिरिट और उसका ताकत ड्रॉप हुआ. सर बॉनिंगटन सर ने जैसे आपने बताया कि अन्नपूर्णा का एक्सपीडिशन किया, एवरेस्ट का एक्सपीडिशन किया, लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे एक्सपीडिशंस किए कि जो मे बी लोगों को मालूम नहीं होंगे. सो व्हाट वेर हिज अदर अचीवमेंट्स और कौन कौन से एरिया में उन्होंने टोटल एक्सपीडिशंस किए? वेल दैट्स व्हाई आई सेड कि उसको एवरेस्ट और ऐसी वो ख्याति तो अभी बहुत थी, बट ही वाज नॉट वरीड एंड बॉदर्ड अबाउट कि मैंने क्या बड़ा कर रहा है, क्या करना है, किसको मालूम करना चाहिए, पब्लिसिटी करनी चाहिए. बट ही वाज अ जेन्युइन लव ऑफ माउंटेन्स. तो वो हिसाब से उसने पहले तो मेरे को सबसे पहले उसने मेरे को इंग्लैंड बुलाया कि भाई तू आया नहीं, मैं जिंदगी में इंडिया के बाहर गया नहीं था, पर बाहर जाओ तो एक साल यहाँ क्लाइंबिंग का बिगड़ जाता है. सो अल्टीमेटली आई वेंट देयर. उसने मेरे को बोला कि भाई तू इंग्लैंड आ जा और यहाँ लेक्चर देना है. तो मैं वहाँ पे इंग्लैंड में गया, तभी हम लोग पहली बार वहाँ पे डिस्कस करने के लिए कि आगे अभी क्या करना है. तो यार आई मीन इंग्लैंड वो टाइम भी बहुत ठंडा था बॉनिंगटन एंड स्टीफन वेनेबल्स, और वहाँ पे मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया था. तो मैंने कहा कि भाई अभी इतना मैं इंडिया से आया हूँ और तो क्या लेक्चर दो, एक साथ मानो हजार लोग मेरे सामने देखते होंगे पूरे लोग. तो कहते नहीं नहीं तू एक ही काम कर, तू खाली सर क्रिस बॉनिंगटन की मस्ती कर बस. ये कंट्री के अंदर मैं इतना बड़ा हूँ तो कोई मेरी मस्ती नहीं कर सकता है. तो तू स्टेज पर चढ़ के मेरा इंसिडेंट बोल, मेरा स्कोरिंग के बारे में बोल, जो भी बोलना बोल, लोगों को हंसा मेरे बारे में. एंड दैट इज ग्रेट मैन एंड ही वाज सिटिंग इन फर्स्ट रो कॉन्स्टेंटली लाफिंग एंड आई वाज मेकिंग जोक्स अबाउट सर बॉनिंगटन. सो ये ग्रेट आदमी की होती है कि भाई मेरी मस्ती करो तो भी अच्छा है और लोगों को हंसता करो ना, वी आर फ्रेंड्स. सो व्हाट. तो वहाँ पे फिर बैठ के हम लोग ने बहुत काफी उसका वो कम्प्लीटली अलग अलग पॉइंट का डिस्कस किया कि अभी कहाँ जाना है, क्या करना है. और वहाँ पे इन्वाइटेड वी टॉप टू द हिमालयन क्लब मेंबर इन लंडन. सो इट इज अ वेरी फॉर्मल डिनर और एकदम लोग पक्का बोल के सब बातचीत करते हैं. तो बॉनिंगटन केम एंड ही वॉज इंट्रोड्यूसिंग मी. तो हमारे एक्सपीडिशन में हम लोग जाते थे तो यहाँ बम्बई में गांधी स्टोर करके है, गांधी स्टोर गुजराती, वो आपको सब सामान देता है भैया लड़िए. तो ही स्लाइस इज वेरी मच बॉनिंगटन. तो ही स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ टॉकिंग के भाई हरीश के साथ एक्सपीडिशन में जाओ तो ऐसा दाल भात खाली नहीं खाना है, गांधी स्टोर गिव्स अस भेल, गांधी स्टोर गिव्स अस पकौड़ी, गांधी स्टोर गिव्स अस गांधी स्टोर, गांधी स्टोर क्या क्या देता है वो बोलते क्या. तो मेरे बाजू में जो बुढ़ी बैठी है शी गॉट लिटिल कंफ्यूज और वो मेरे कान में पूछते कि भाई गांधी क्या फूड बनाने वाली फैमिली से था क्या? ऐसा नहीं था, गांधी स्टोर का बोल रहा है और महात्मा गांधी के. सो हिसाब से भी हमारा वो टॉक के अंदर काफी चलता है.
So then we went to another expedition. That time first we decided to go on a big expedition to 1994. And there he was, by that time it became a technological state. He used to tent laga ke andar apna computer chala raha hai, email laga raha hai, apna bhi email har ek ka hamara khol ke to aayega chillane ko, aapka email aaya, aapka email aaya. Main to humko kya hai email ko, nahi karo. And when we climbed the peak, here we are celebrating Bonington peak chadke aaya tha usko. Or he was now old, but very still strong and very good. And this is the peak we climbed, Rangri Krang. And uska jo route tha, it was quite difficult route se. Yahan se pura hai, upar ka khatarnak route se upar jana hai. But then basically technique, usme ka rehta hai. But summit ke upar se bhi, kafi humko dusre pahad bhi sab walk up dikh rahe the. And this is our happy team at the base camp. Bombay ke bhi sab climber hai, DVH and Muslim and everybody. And Bonington and Jim Curran and all others. So it was always a happy moment. So then as we decided in England, we started on a very small trek, about 7 to 8 alag-alag-alag trek pe gaya, 8-7-8 saal mein, har saal mein ek. To wo trek ke andar rahe, Shimla aur ye jagah pe bahut maza karte the, but at the every trek mein ek chota climb karna hai, that was the rule, Bonington ka, and that you always followed. So as I said, first we went by, you know, Rajdhani train, and this is an American climber with me, Mark Ritchie. And they were amazed ke bhai aapko baithe hua khana de rahe hai ye khila rahe hai ye kar rahe hai wo kar rahe hai ke hamara British train mein to aisa kuch hota nahi hum log ko to khali sandwich aur paav ke tukde hi milte hain so is tarah se bhi wo kafi ekdam we were getting excited about it and pura trip mein we are good friends everybody and sab gapshap marte the nayi nayi jagah pe jaate the chota mota climbing karte the aur kabhi kabhi aisa bhi samjho ki ye hamare paas ek unknown valley mein gaye to log guide liye the but right side ka jo guide hai He knows the route बराबर और वो 1100 गांजा वाला था तो पूरा टाइम वो गांजा में रहता था और क्या बोलता था हम लोग समझते नहीं थे और उसको रास्ता मालूम था लेकिन फिर दूसरा बुड्ढे को लिया उसको इंटरप्रेट करने के लिए तो गांजा वाला बोलेगा कब इधर से जाओ तो बुड्ढा उसको सुन के अपनी भाषा से हमको हिंदी में बोलेगा वो उसका उधर से जाओ तो इस तरह से भी बहुत टाइम Bonington को वो लोग सब देख रहे थे कि किस तरह से सब छोटा छोटा भी मैनेज करना पड़ता है और कभी कभी खतरनाक भी हो जाता था नदी के अंदर ये Bonington को क्रॉस करा रहे हैं क्योंकि पानी के अंदर भी कभी कभी मस्ती नहीं करनी है कभी भी एंड एवरीवेयर यू विल डू क्लाइंबिंग एक छोटा सा वो क्लाइंब करके पूरा नीचे आ रहा है और ये ढेल करके एक छोटी जगह है वहाँ हम लोग छोटी सी समिट चढ़े और ऊपर दोनों हमारा ये समिट करके खड़े हैं एंड देन अगेन बैक टू सिविलाइजेशन वहाँ पे खाना पीना और ये मस्ती और पासी और इसके अंदर भी इधर चढ़ने के बहुत तो ठंडी रहता है यू कैन नेवर फील कि इतना में सर है ना राजा है ना ओल्डर और इतना बड़ा उसको नाम है और इतना बड़ा है इट विल बी जस्ट लाइक एनी अदर फ्रेंड दैट इटसेल्फ इज वेरी गुड टॉक ऑन इट और ये वो टाइम में हमारे घर पे आया हमारा नवांग उस माय सन डाइड इन कश्मीर की आर्मी में वॉर में तो उसके छवि के पास हमेशा बैठ के वो सोनम का फोटो निकालते हैं और दिस इज अवर पिक्चर वी आर फ्रेंड्स स्टिल एंड लाइफ गोज ऑन And I'm sure we would be, you know, still meeting more and doing more things. Yeah. Sir, coming to the last question about Sir Chris Bonington. Actually, आपने सब उनकी जो stories बताई, उससे ये तो हमें realize हो रहा है कि age is just a number. But हमारे जो viewers हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि what is the age of Sir Chris Bonington right now, and what are his whereabouts? वो कहाँ पे रहते हैं और आप उनके personal life के बारे में कुछ बता सकते हैं? Well, Bonington lives in Cumbria. That is in a lake district north of London, very cold place and very open and barren place. Or वहाँ पे वो रहता है. Every day he'll be walking, trekking, walking around definitely. But he is now 86, so he has to be very careful. But वो भी अभी ताकत बिल्कुल कम नहीं हुई है. So every day आना जाना चालू रहता है. And his wife Wendy about 10 साल पहले passed out, मर गई वो. So then after all is remarried, Loreto Kirke, another lady who is also interested in mountaineering. And they all get along very well. But abhi bhi uska writing, reading, producing movies and everything is going on quite well. So that is it and hopefully he will live for a long time. Thank you. Absolutely, sir. मला ऍक्च्युअली सगळ्या व्ह्यूअर्सना हे सांगायचंय की क्रिस Bonington सर असो देत किंवा हे जे सगळे आपण सगळे लिजंड्स आपण आपल्या सेशनला जे नाव दिलेले की अनफोल्डिंग देअर लाईव्स या सगळ्यांचा जो प्रवासाचा जो उलगडा आहे तो हरीश सर अत्यंत सुंदर पद्धतीने आपल्या सगळ्यांसमोर करतायत अँड सर नाऊ वी आर मुव्हिंग टू अवर नेक्स्ट लिजंड हु इज जगदीश नानावटी बिफोर दॅट ऍक्च्युअली
आई वॉन्ट टू मतलब मैं सबको ये बताना एक्चुअली चाहता हूँ कि सर क्रिस मॉर्निंगटन इज वॉट आई हैव रियलाइज फ्रॉम योर एंटायर स्टूडे ही वॉज वेरी रूटेड पर्सन एंड ही इज वेरी मच कनेक्टेड विद द इंडियन कल्चर दैट्स वॉट आई कैन सी थ्रू योर आईज सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग एंड वी हार्टली सल्यूट टू हिज एंटायर अचीवमेंट्स सो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स मिस्टर जगदीश नानावटी सर एक्चुअली मिस्टर जगदीश नानावटी जो थे ही ऑब्वियसली ही बिलोंग्स टू इंडिया सो बेसिकली उनकी माउंटेनियरिंग की शुरुआत कब से हुई और उनका कोई फॉर्मल ट्रेनिंग हुआ था क्या या वो उनका माउंटेनियरिंग में एंट्री कैसे हुआ अभी जगदीश नानावटी इज दैट वेरी यूनिक पर्सन दैट्स व्हाई मैंने कहा कि वो माउंटेनियर नहीं है इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन माउंटेनियरिंग लव्स माउंटेनियरिंग और उतना जितना ज्ञान है माउंटेनियरिंग के बारे में कोई माउंटेनियर का भी नहीं होगा loves mountains but usne jo mountain ka wo completely study kiya hai he went for his expedition in training in Darjeeling HMI aur us karne ke baad usne wo yahan ke apna uska business tha uske andar ho rahe so Jagdish bhai was a family man very large good family and living in joint family Mumbai ke andar Parla ke andar aur wahan se uska shipping ka ऑफिस था शिपिंग का ईस्टर्न बंकरर्स करके और उसके अंदर वो पूरा काम करते थे पर उसका जो कंप्लीट था वो बेसिकली सिटी पर्सन पर लोकल ट्रैकिंग में हमारे साथ चलेंगे माउंटेन में बहुत इंटरेस्ट लेंगे स्टडी आप लोग समझो कोई पहाड़ में गए हो तो आपको पता चलता है कि ये वैली इधर है ये वैली उधर है वो खाली नक्शा देख के पूरा आपको बता सकते हैं उसका नक्शे का इतना स्टडी रहता है कि इवन आर्मी जितने भी आर्मी मैन को भी उतना नॉलेज नहीं रहता है सो उसका कंप्लीट स्टडी था overall about all the nature and everything now in the local tracks we will go because one major thing is curiosity ki kiska hai kya hai kaisa hai har ek cheez likhte jayenge laate jayenge and he was great fun and great teacher to with us there is wife which manda ben khade hain aur aage jagdish bhai ne this you organize one expedition in 84 of all youngsters age of 6 to 66 there he had come and hum log bahut sikhe uske paas se हमारा बम्बई का बहुत लोग का गुरु था एंड क्लाइंबिंग में भी करने के बाद वेरी पर्टिकुलर अच्छा क्लाइंबिंग करते थे हाई माउंटेन और ये आजकल का जो माउंटेनिंग का बोलो वो हिसाब से नहीं परंतु वेरी रियल लव फॉर माउंटेन जो उसमें था कम्प्लीट देन अदर थिंग इज ही वेंट टू डू हिज माउंटेनिंग कोर्स इन दार्जिलिंग और वहां पे उसने वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह प्रिंसिपल थे उससे बातचीत किया कि भाई आपके शेरपा लोग विंटर के मंथ में तो घर में बैठे हैं आप बर्फ गिर गया दार्जिलिंग में कोई कोर्स नहीं होता है तो व्हाई डोंट यू सेंड देम टू मुंबई टू टीच अवर बॉयज इन रॉक क्लाइंबिंग दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ अ ग्रेट एक्सचेंज दैट ही वुड ऑर्गेनाइज अ कैंप नियर मुंब्रा आजकल तो मुंब्रा रहा ही नहीं पर मुंब्रा के अंदर वो कैंप करके वहां ऊपर से रॉक्स के अंदर ये जाके वहां शेरपा लोग आएंगे तीन चार फेमस शेरपा और उनको स्टूडेंट को पांच 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 करके एक एक ग्रुप में पांच जना करके स्टूडेंट को कैंप के अंदर रॉक क्लाइंबिंग सिखाएंगे और दिस बिकम वेरी पॉपुलर एंड बहुत बम्बई के पीपल लोग एवरीबॉडी लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस ओरिजिनल शेरपा स्ट्रॉन्ग फेमस शेरपा एंड मेटिकुलसली एवरीथिंग हियर सो दैट वाज जगदीश भाई वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन के फॉर अबाउट 1960s से लेके ऑलमोस्ट टिल 1972 तक उसने ये कंप्लीटली रॉक क्लाइंबिंग कोर्सेज ऑर्गेनाइज किए और वो रॉक क्लाइंबिंग कोर्सेज की वजह से बहुत बहुत लोग हमारे जैसे भी सीखे मैंने भी वही रॉक क्लाइंबिंग कोर्स किया और उसके बारे में वो था एंड उसके बाद फिर वो हिमालय में भी आना उसने हमारे साथ आते थे रेगुलरली लोकल के साथ और हिमालय में भी वो ऑलवेज हैंडसम मैन डैशिंग स्टैंडिंग इन बिटवीन और काफी उसमें भी वो स्टडी चलता है उसका मैप रीडिंग और इतना डिटेल में ले उसके साथ जाना एजुकेशन था कि जाते जाते भी बातचीत और बाकी अगेन लाइक मॉर्निंगटन इज वेरी फ्री मैन यू कैन टॉक टू हिम और सीखने को भी वो हिसाब से बहुत मिलता था ये है जगदीश भाई उसके साथ टेंट में बैठ के भी आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो और मेरा लड़का खास करके नवांग ही वाज वेरी मच विद हिम नवांग 20 साल का और ये हमारे 70 साल के और दोनों भी एकदम चमती थी जगदीश भाई को स्टोरी कहने का बहुत शौक और नवांग को स्टोरी सुनने का बहुत शौक ये दोनों का बहुत जमे हमारे को इतना वो स्टोरी बोले तो हम लोग सब भाग जाते थे वॉज अ वेरी यूनिक कैरेक्टर नवांग अच्छा अभी उसके काम के बारे में बताऊँ आपको थोड़ा यस सर Yes, so he was, as I said, very good in studying of mountains. So वो उसका सबसे great thing. तो इस तरह से now, for example, you have to look Kinnaur में गए.
दिस इज हैंड ड्रॉन स्केच वो बनाते हैं कि भाई ऊपर से समझ एक बर्ड उड़ रहा है उसने कैसा देखेगा उसका उसने बनाया तो ये हिसाब से फिर वो उसका स्टडी करेगा कि भाई जो आप यहाँ खड़े हो राइट यहाँ पे आप खड़े हो यहाँ से ये पिक ये दिखेगी ये पिक नहीं दिखेगी और उसका वो कंप्लीट डिटेल स्टडी के अंदर वो नानावटी का स्पेशलिटी था दैट इज कॉल्ड माउंटेन फोटो ओरिएंटेशन। माउंटेन का एक फोटो देख के वो पूरा स्टडी करके वो पूरा बना सकते थे और उसका पूरा शास्त्र है ये डिटेल में तो इसमें नहीं जा सकते कि भाई आपको व्यू कैसे मिलेगा ए सी आपको ये दिखेगा कि बी दिखेगा और क्या बीच में आएगा उसका भी ये पूरा है प्लस ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे होता है कैमरा का आपने देखा तो कैमरा से ऐसा देखा तो सी और ए इट्स अ लिटिल टेक्निकल थिंग पर आप इसको बहुत लोग को सीखने मिला है इधर आर्मी से भी लोग उसके पास ये बहुत सीखने को आते थे सो वो भी यानी एकदम वो स्ट्रिक्ट रहते थे। फिर इस तरह से समझो एक्सपीडिशन अभी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा भी हुआ है कि बहुत कुछ एक्सपीडिशन चढ़े और वो चढ़े नहीं थे गलत जगह पे पहुंच गए गलत जगह के क्लेम किया और वो गलत था कि समझो कि यहाँ लेफ्ट में आपको ये फोटो दिख रहा है तो ये लोग ने कहा हम लोग सुदर्शन पर्वत चढ़ गए परंतु ये लोग नीचे खड़े और उसके पीछे सुदर्शन पर्वत बड़ा दिख रहा है आप वहां से सुदर्शन पर्वत पहुंच गए। दिस शास्त्र की वजह से बराबर लाइन मीन दुर्गे नानावटी जगदीश भाई प्रूव इट टू दैट कि भाई तुम यहाँ नहीं पहुंचे थे तुम सुदर्शन पर्वत नहीं गए हो अब यहाँ पहुंचे। तो कभी कभी एक्सपीडिशन वाले भी बहुत झगड़ा भी करेंगे बट ही विल नॉट बच कि नहीं मैं बराबर आपको स्टडी करके बताता हूँ इसका एक क्या है तो आपको ऐसा नहीं कि मैं ऐसे करो मैंने कहा है मान लो और उसके लिए पूरा अलग 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 कैमरा का लाइन ये लाइन इसमें रात भर वो बैठते रहेंगे उसका घर के अंदर भी लोग बोलते हैं कि भाई ये तो पागल की तरह लग पड़ा है इसके माउंटेन के पीछे बट ये माउंटेन वॉज इज लाइफ और चढ़े नहीं कुछ नहीं थोड़ा ट्रैकिंग हुई है बट देन ये कम्प्लीटली स्टडीज के अंदर ही वो एकदम परफेक्ट और यहाँ पे समझो आप हो तो वहां से कौन सा व्यू दिखेगा और ये लाइन बाइन दौड़ के ये नीलकंठ के अंदर भी उसका स्टडी था विच वॉज वेरी मेजर उसने क्या क्या किया नीलकंठ के अंदर और ये नीलकंठ का पूरा उसका स्टडी है कि नीलकंठ में आप देखेंगे तो यहाँ छोटा 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 ये हम्स है अभी कोई आदमी चढ़ने लगे पीक तो उसको लगे ये पीक आ गई बट पीक इधर है तो आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे वो ये पूरा आपको ये स्टडी करके जब नीचे पुरवार करेंगे आप यहाँ पहुंचे थे और नहीं पहुंचे थे तो वो हिसाब से भी काफी झगड़ा भी चला काफी वो अनपॉपुलर भी हुए क्योंकि जो चढ़ गया उसको पुरवार करे को भाई तुम नहीं चढ़े हो उनको भी तकलीफ होती है परंतु ये विल प्रूव द ट्रूथ कोई सच्चाई क्या है माउंटेन की वो मैं पकड़ के रखूंगा और वो कम्प्लीटली पुरवार करेगा और उसके साथ वो आराम से जब हमारे ईमान क्लब के सेक्रेटरी रहे 23 साल तक उसके लिए उसने बहुत काम किया तो फिर वो जब मर गए अभी एक दो अवार्ड उसकी फैमिली ने उसके नाम से रखे हैं वन इज जगदीश नानावटी फॉर एक्सीलेंस इन माउंटेनिंग वो अच्छा एक्सपेडिशन गया जिसने रिपोर्ट बहुत अच्छा किया है उसके बारे में जगदीश नानावटी का एक्सपेडिशन रिपोर्ट उसको मिलेगा अवार्ड मिलेगा क्योंकि इसमें चढ़ने वाले और एवरेस्ट उसका कोई जरूरत नहीं है परंतु व्होएवर इज यू नो गुड रिपोर्टिंग और गुड स्टडी की एक्सपेडिशन के बारे में उसके लिए पूरा अवार्ड बनाया है और अभी ये चालू है ईमान क्लब इसको रन कर रही है। और दूसरा ये मेडल बनाया गया कॉल गरुड़ मेडल हमारे में गरुड़ पक्षी कहते हैं जो सेवा करता है भगवानों की तो इस तरह से लाइक ओल्ड टाइगर मेडल था टाइगर बैज उसकी आज गरुड़ मेडल बनाया है भाई जो भी सर्विस बराबर करता है माउंटेन में उसके लिए गरुड़ का मेडल देते हैं गोल्ड मेडल और उसके साथ पैसा भी देते हैं पोर्टरों को तो इट हैज बिकम वेरी फेमस गरुड़ मेडल करके फर्स्ट गरुड़ मेडल का विनर था एक कुमाऊं का पोर्टर कॉल्ड हर सिंह। Sir, now after exploring the journey about Mr. Nanavati, we are coming to Mr. Hari Singh. And आपने जैसे बोला कि he was a porter who was belong to Kumau. So actually उनका background क्या था? आप उनसे कौन से expedition के दरमियान आपके और उनकी मुलाकात हो गई? And how was he as a person? Well, that is the main question. How was he as a person? I tell you, आपको जो भगवान का आदमी या तो कोई अच्छा आदमी चाहिए जिसको कोई मोह नहीं है तो आप हर सिंह को पकड़ो हम लोग उसी में हो गए। कैसे मिला वो तो मैं आपको स्टोरी बताऊंगा पर हर सिंह का एक स्पेशलिटी है कि जो उसको चीज नहीं जरूरत है वो कभी लेगा ही नहीं आपसे क्योंकि आपको समझो बॉनिंगटन आया और उसको लाल रंग का नया जैकेट लेके आया था और दिया गया बॉनिंगटन हर सिंह ये तेरे लिए जैकेट और नहीं नहीं तो 12-15 हज़ार का जैकेट होगा तो हर सिंह उसको देख के कोई ज्यादा खुश नहीं हो रहा ऐसे देख रहे हैं क्या हो गया हर सिंह
एक सारी जैकेट नहीं चलेगा, लाल रंग है हमारी गाय भड़कती है, जैकेट नहीं लेगा। तो उसको ऐसा मन में नहीं आया कि भाई जैकेट बेच के मैं 10,000 रुपया बनाऊ, कैसा कुछ नहीं, मेरा को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। तो इसी तरह हमारे साथ हमेशा रहा है, तभी हमारे लोग की बहुत चीज उसमें जम गई। अबे ये हरसिंह का हमारा पूरा एक्सपीडिशन उसमें कभी कभी अकेले ने ऐसा चलाया है। और एक ऐसा हुआ कि 1963 में हम लोग पिंडारिक देशर जा रहे थे, वो जमाने में दैट वाज कंसीडर्ड अ वेरी मेजर थिंग। तो वहां पे जगदीश भाई ने नानावटी ने हमको बताया कि भाई बर्तन आप जो फीडबैक में डालोगे तो बर्तन दब जाएंगे, टूट जाएंगे। वो टाइम एल्यूमिनियम के वैसे बर्तन थे, इसके लिए चाय का डब्बा ले जाओ, टी चेस्ट, उसके अंदर बर्तन डाल के पैक करके ले जाओ। वो जगदीश भाई वो नहीं समझेगा, चाय का बर्तन अंदर आवाज करेगा गड़गड़ गड़गड़ करके। तो हम लोग ने घोड़े पर चढ़ाया और घोड़ा भड़का कि भाई तो अंदर से कुछ आवाज आ रहा है, उसने वो गिरा दिया। और जो बर्तन नीचे आगे वैली में, तो उसके आते आते सामने से एक आदमी आ रहा था, वो बर्तन उठा के सब लाया, और उसका नाम पान सिंह, इसका बड़ा चाचा। वो पान सिंह हमारे साथ आया और फिर हमारे साथ चला और उसने हमारी दोस्ती हो गई। और फिर उसके बाद वही गाँव के हरपोट गाँव के आदमी हमेशा मेरे साथ चलते, मैं कहाँ भी गया। और मैं ओपनली कहता हूँ कि हमारा जो इतना क्लाइंबिंग ट्रेकिंग माउंटेनिंग हुआ उसमें आधा मेहनत ये लोग की है। कहीं भी गए, अरुणाचल प्रदेश जाओ, काराकोरम जाओ, सियाचिन जाओ, तो ये हरसिंह एंड हिज कंपनी इज ऑलवेज देयर। इनफैक्ट सो मच हो कि जब मेरे को क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने ये अवार्ड दिया पैट्रन्स मेडल, तो स्पीच में भी मैंने बोला कि भाई आई मस्ट थैंक माय कुमाऊनी पोर्टर्स, विदाउट देम आई वुड हैव नेवर डन एनीथिंग। तो वो इतने फेथफुल है, इतने ऑनेस्ट है कि आप बातचीत मत पूछो। तो वो हिसाब से हरसिंह का तो बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में। ये हरसिंह का विलेज है, हरकोट करके गांव है, छोटा सा गांव है, अबाउट 8-10 फीट पे। और हम लोग भी वहां भी कभी कभी गए हैं, कभी कभी बॉर्डिंगटन और अंग्रेजों को लेके भी मैं वहां पे गया हूँ करके न करके। और ये उसके माता जी पिताजी वो बोध साहब भी मर गए, फादर वॉज नियरिंग 100 और मदर थी वो भी अबाउट 95। पर अभी अप्रोच आदमी का ऐसा है कि मैंने 2 साल के बाद उसको पूछा कि पिताजी कैसे हैं, तो ये हंस के बोलता है गए बेचारे खुशी से गए, तो घर आए भी तकलीफ नहीं हुई, बस आराम से पहुंच गए बेचारे। सो वो एक नेचर होता है आदमी का कि भाई यू नो क्या कैसे देखना। और हम लोग ने उसको कहा था कि भाई ऐसे इंश्योरेंस की तरह आपको तेरे को कभी भी कोई तकलीफ पड़ी तो बोलना, हम लोग तेरे को बम्बई में बैठे हम तेरे को मदद करेंगे। पर अभी तक रिकॉर्ड है 40 साल में उसने एक बार कुछ मदद मांगी ही नहीं, नेवर। जो भी यहाँ मिल जाता है, क्या जरूरत है, हम लोग को आने के पहले फोन करके अभी बंबई से आ रहे हैं, एक्सपेडिशन में जा रहे हैं, तेरे लिए क्या लाओ, तो क्या लाओगे, यहाँ है सब कुछ हमारे पास। सो ये जो संतोष का है उसके उसमें टेरिफिक है। और उसके गांव के लड़के भी हमारे साथ सब आते हैं, तो ये लोग का भी आपको पूरा सेम कैरेक्टर के सब लोग हैं, बिकॉज ऑफ ऊपर का हरसिंह जो अच्छा है तो वो भी उसका पूरा चलता है। फिर वो गाँव के अंदर थोड़े पैसे भी है, क्योंकि ये जड़ी बूटी वहाँ आजकल मिलने लगी है, 1100 गोम्बा करके एक जड़ी बूटी मिलती है जो पहले नहीं थी, वो अभी जब इससे बर्फ निकलता जाए उसमें जड़ी बूटी मिले, और ये जड़ी बूटी बहुत महंगी मिलती है। तो कुमाऊं गढ़वाल में और ये लोग की जगह पे जड़ी बूटी मिलती है, तो जड़ी बूटी भी ये लोग ऐसे कलेक्ट करते हैं, और ये एफ्रोडिसियाक करके है, तो ये चाइना में बहुत जाती है, तो वहाँ दवाई के अंदर पूरा यूज होता है। उन लोग का गाँव उसी में भी बहुत है। और हमारे हम लोग जाए तभी हमारे लिए गाँव के अंदर पूरा ये फैसिलिटी, आई ये भी फेस्टिवल भी करते हैं, क्योंकि एक देवी का वो फेस्टिवल है विच इज बहुत कलरफुल, आप कभी जाओ तो भी वो बहुत मजा आएगा देखने के लिए। और ये देवी को लोग बाहर लाते हैं और वहाँ पे रखते हैं, उनका अपना अपना ट्रेडिशन सब चलता है, बट देन इट इज वर्थ सीइंग कि वे सिंपल आदमियों का कितना सिंपल फेथ, कितना अच्छा फेथ है। तो फिर ऐसे राउंड करके देवी के आजू बाजू वो लोग का यू नो डांस चलता है, गाना चलता है, सिंपल सब। पर वो और ये उसका ये पुजारी है, वो हर एक का मुंह में लेके वो जाता है, एक भी गिरेगा नहीं, 10-15-20 चाकू है उस मुंह में। तो ये भी सब उसकी सब पूरी ट्रेडिशन वो लोग की चलती है। और हरसिंह ने इस तरह से हमको बहुत जगह पे सब मदद की है कि जिस तरह समझो ये अरुणाचल के जंगल में हम लोग सब टेंट में सोए नहीं, हरसिंह नीचे बैठ के आगे चाय बना रहा है, सुबह 5 बजे चाय पिलाना, 4 बजे ये करना, वो पूरा उसका वो काम रहता है, वेरी फेथफुल, ही विल डू एवरीथिंग। और जहाँ भी जाओ, बारिश में जाओ, यहाँ जाओ, कहीं भी करके वो कम्प्लीटली हमारे साथ रहता है। सर एक्चुअली मिस्टर हरि सिंह का और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, वो कोई एक्सीडेंट अगर माउंटेन में हो गया है तो उस बारे में, पंचशूली एक्सपेडिशन जो 1992 में हुई थी तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, और उसमें उसकी रिकवरी में या पूरे वो एक्सीडेंट को संभालने में, उसकी वो सिचुएशन संभालने में मिस्टर हरि सिंह का बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था।
एक्सीडेंट में उनकी जो प्रतिक्रिया रहती थी, एक्सीडेंट में उनकी जो रिएक्शन रहती थी, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वेल, इसलिए एक्सीडेंट के लिए भी एक तो विलेजर है, उसके पास ताकत भी है पूरा एक्सीडेंट के कोई भी सफर करने की, सो दैट इज ऑल्सो गुड. एंड एट द सेम टाइम वो पूरा इतना यू नो कम्प्लीटली फेथफुल है कि आप जो बोलो वो पूरा करेगा. एज अ रिजल्ट ये जब वेनेबल्स, अभी मैंने जैसे आपको स्टोरी दिखाई, वो गिर गया तो ऊपर कैब के अंदर वो फंस गया था. ये और ये डिक रेंशो ऊपर ही बैठे और दो तीन दिन हेलीकॉप्टर की राह देखते थे, तो खाना खत्म हो गया. तो ये फिर डिक रेंशो ने नीचे आके हमको बताया कि ऊपर उसके पास अभी खाना है नहीं, ऊपर खाना भेजो. तो अभी इन्होंने खाना कैसे भेजेंगे, क्योंकि खाना में सामान बहुत उठाना पड़ता है. इसलिए हम लोग ने कहा कि तो हर सिंह ने वॉलंटियर किया, कहा मैं जाऊँगा. तो हर सिंह के पास बर्फ के जूते नहीं थे, उसको बर्फ पे चढ़ने की कोई टेक्निक नहीं थी उसके पास. तो वॉलंटियर का 10 नंबर का जूता है, इसका 7 नंबर का जूता, तो अंदर कागज विगज डाल के करके हर सिंह को अंदर पैक किया और फिर उसको दिखाया कि बर्फ में ऐसा ऐसा चढ़ने का, कहा कोई बात नहीं करके. तो वो चढ़ गया, धीरे धीरे ऊपर गया और कुछ भी करके ये उसने 20 किलो का सामान ये वेनेबल्स के टेंट में पहुंचा के वो वापिस आ गया सेफली. ये देख के ये वेनेबल्स बच गया, पर बाकी के लोग भी बहुत इंप्रेस हो गए कि भाई ये तो समथिंग ग्रेट, पूरा सामान उठा के वो ये दूसरे हरसिंह भी है, दोनों हरसिंह वहां के ऊपर पहुंच गए थे. और ये लोग में ऐसा है कि ये खाना बना रहे तभी उसके ऊपर बर्तन रखते हैं, जो बर्तन हिल गया दे कंसिडर एज अ बैड ओमेन कि भाई नहीं रखना चाहिए. तो उस दिन उसने कहा कि कुछ गड़बड़ होने वाला है बिकॉज ये बर्तन हिल रहा है. जब ये वापिस आ गया वेनेबल्स, तो दैट वाज हिज वन ऑफ दिस ग्रेट अचीवमेंट ऑफ फॉर द हरसिंह. नाउ वो ये लोग इतने यू नो खुश हो गए थे हरसिंह के क्लाइंबिंग के ऊपर से कि भाई हमको हरसिंह को ये हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट में या तो इंडिया का बेस्ट क्लाइंबर बनाने के लिए उसको वहाँ ट्रेनिंग को भेजना है, आप भेजो. तो मैंने कहा भाई उसको भेज के कोई फायदा नहीं है, तो वहाँ सब आर्मी के ऑफिसर और वो सब आते हैं, विल बी ट्रीटेड एज अ पोर्टर, दूसरा लोगों का सामान उठा के घूमता रहेगा. तो ट्रेनिंग सीखने के लिए अभी कुछ है नहीं. फिर हमने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग इसको इंग्लैंड में बुलाएंगे ट्रेनिंग के लिए और उसको पहले लंदन घुमाएंगे और ये करेंगे ना पूरा ये वो. और यू नो तो आप पूछो उसको. मैंने हर सिंह को पूछा कि भाई आप ये लोग तेरे को बोल रहे हैं इतना खुश हो गए, तो लंदन जा घूमने फिरने के लिए और ये. तो हर सिंह बेचारा हमारे सामने देख के बोला कि सर अभी तो घर जाने दो, हमारी बकरियाँ बहुत भूखी पड़ी है, बाकी ये लंदन वंदन आप लोग रखो, तो घर में बकरियाँ के पास जाएंगे. तो उसको जरा भी ऐसा प्रलोभन नहीं हुआ कि अभी लंदन बुला रहे थे, चलो लंदन चले. तो वो हिसाब से है. पर अभी आपने एक्सीडेंट का पूछा, तो पंचे चूली में तो उसका हो गया, पर ये बरजोर बनाजी करके हमारे एक डॉक्टर है वो गिर गए. तो वो टाइम भी ये लोग ने बहुत कुछ काम किया. बरजोर इज यू नो स्टाउट तगड़ा आदमी और एकदम ग्रेट स्पिरिटेड, मुंबई का सबसे बड़ा आई डॉक्टर है और वो हमारे साथ चलता है. उसकी अपनी मस्ती में और अपनी स्पीड से वो चलता है, उसको किसी की कोई टेंशन नहीं, कोई इसका हो नहीं. तो कहीं भी ऐसा चीजें होगा तो हर सिंह और वो लोग उसको मदद करते हैं. तो ये छोटा सा रॉक के ऊपर वो गिर गया और उसको पूरा बैक के अंदर पूरी चोट आ गई. अभी वो चल पाने का उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि तो हर सिंह के गाँव वाले बच्चे और सब इकट्ठे हो गए और उसको पहले तो धीरे धीरे खड़ा किया, कैसे है क्या है वो दिखाया उसको. और फिर बड़ी मुश्किल से बरजोर चलते 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 आया, ऐसे करते करते एक दो दिन चले हमको. और ये पूरा हर सिंह ने बना के दिया, दैट वॉज वेरी गुड. टेंट का पूरा यू नो फोल्ड्स लगा के उसको पैटर्न लगाया, उसको लगा दिया कि तेरी बैक कम्प्लीटली स्टेडी रहे. तो इस तरह से भी वो टेक्निक भी होती है और एक आदमी हमेशा उसका हाथ पकड़ कर उसको निकालते रहा. तो इस तरह से भी जो कोई भी होता है तो वो लोग अनबिलीवेबल है. फिर उसके लिए एक घोड़ा मंगाया हम लोग, अभी घोड़ा के बदले छोटा टट्टू आया. और बरजोर हमारा तगड़ा 70-80 किलोज वाला, तो टट्टू पर उसको चढ़ाने के लिए वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि भाई बरजोर टट्टू पे कैसे चढ़ेगा. तो पूरे गांव वाले ऐसा तो हंसते भी रहते हैं और बरजोर को किसी भी हिसाब से ऊपर नीचे टट्टू को पकड़ के 6-8 लोगों ने पकड़ के उसको ऊपर बिठाया और ये फाइनली बरजोर टट्टू के ऊपर पूरा बैठा है. तो फिर ये लोग यहाँ से उसको पकड़ के उसको गाँव में ले गए. तो इस तरह से बरजोर पूरा सेव हो गया वो हिसाब से. तो इस तरह से भी वो काफी लोग का अलग 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 सब खेलता है. ये दोनों हरसिंह है हमारे. सर कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, कि कभी मिस्टर हरि सिंह ने मुंबई विजिट किया था क्या, और अगर उन्होंने किया होगा तो उनके रिएक्शन क्या थी? वेल, मैंने आपको कहा ना कि हम लोग की ऐसी उसी कंडीशन थी कि कुछ भी तकलीफ होगा तो मुझे बुलाना.
बट वो कभी अभी तक तो ऐसा बोला ही नहीं कभी आने के लिए. फिर मेरा सोनम मेरा लड़के का शादी थी, शादी दिल्ली में थी, रिसेप्शन बम्बई में. तो मैं बोला अभी अर्सिंग को ये टाइम बुलाते हैं. ये दोनों अर्सिंग को बोला कि भाई तुमको आना है दोनों को और आप तैयारी करो और ऐसा नहीं चलेगा सूट वूट पहन के आओ. तो बेचारा ने 4-5 हज़ार रुपये खर्चा करके नया सूट बनाया और दिल्ली में आके मेरे को मिले. तो दिल्ली में तो सब हो गया, फिर ट्रेन में बम्बई आए और बम्बई में उसको हम लोग ने रखा हमारे एक फ्रेंड के घर विजय कोठारी के वहाँ. और विजय भाई का फोन आया दूसरे दिन कि भाई ये लोग कमरे से बाहर नहीं निकल रहे. बोलो भाई तो हर्षिंग क्या हो गया क्यों नहीं आते. नहीं साहब बाहर एक तो पानी बहुत गंदा है पिया नहीं जाता हमारे से, हवा बहुत खराब है, सुन के भी हमको तो बीमार हुएंगे और इतने आदमी है कि इसमें अंदर हम कहाँ जा रहे और क्या देखे. नहीं नहीं चलो सर नहीं चलेगा, इधर देर को बुलाया अभी तक तो जरा घूमना पड़ेगा, चलो आगे. मैंने उसको गेटवे ऑफ इंडिया ले गया, वो दिखाया अभी इधर उधर और जरा भी हाँ ठीक है ठीक है. समुंदर था, हाँ समुंदर है बस. उसको इतना इधर से हम क्या बोलते हैं हड़बड़ी में आ गया. ये सो मच कंफ्यूज कि भाई इतना आदमी है, गंदी हवा और गंदा पानी है और ये रहने का नाली की जगह में ये सब क्या है करके. तो इसको बिल्कुल यहाँ पे पसंद नहीं आया. और फिर हम लोग ने उसके साथ ही वो हमारा यू नो ये कम्प्लीटली रिसेप्शन के अंदर भी उसको लेके गए थे लड़के के साथ. सो दैट ऑल्सो दे एंजॉय थरली बट अल्टीमेटली यू नो दे टू ऐसे गोवा भेजा. तो गोवा में भी वही हाल, बिल्कुल उसको कुछ देखना नहीं था. अल्टीमेटली हम लोग कहा भाई तो अभी बम्बई से निकल जाए जल्दी. तो आज अभी ऐसा हुआ कि उसको बम्बई का नाम लो तो हाथ जोड़ देंगे भाई सर अभी बम्बई मत बुला, बाकी आप बोलो पहाड़ों में हम घूमेंगे और बाकी ये मुंबई का हमारा काम नहीं, आप अपनी मुंबई संभाल. इस तरह से अच्छे और सिंपल लोग है वो कि भाई इससे चलते रहते. थैंक यू. मित्रांनो खूप सुंदर पद्धतीने आजचा हा सगळा जो प्रवास आहे तो हरीश सरांनी आपल्याला सांगितला. क्रिस बॉनिंगटन असतील, हरिसिंग असतील, जगदीश नानावटी असतील, ह्या सगळ्या हे जे लिजंड्स कशा का म्हणून यांना आपण लिजंड मानतो किंवा ह्या सगळ्या लोकांचा या ही सगळी ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व होण्यापर्यंतचा जो सगळा जो प्रवास होता हा सगळा हरीश सरांनी आज अत्यंत सुंदर पद्धतीने आपल्याला समजून सांगितलंय. आणि आपला सर्वांचं भाग्य की आपल्याला हरीश सर 2 दिवस लाभलेले आहेत. आता त्याचा फक्त एक पूर्वार्ध झालेला आहे आणि उद्या आपण रात्री 9 वाजता भेटतोय या सगळ्या प्रवासाचा उत्तरार्ध जाणून घेण्यासाठी. उद्या असेच अनेक लिजंड्स आपल्या भेटीला येणार आहेत. हरीश सर त्यांच्याही स्टोरीज, त्यांचे काही अनुभव किंवा जी लोक माणूस म्हणून कसे आहेत त्यांच्या एक्सपिडिशन मध्ये अनेक काही किस्से झालेले आहेत, त्यांनी एक्सपिडिशनच्या दरम्यान घेतलेले निर्णय हे संपूर्ण गेऱ्या रोवून जगताला बदलणारे कसे होते या सगळ्याचा प्रवास उद्या हरीश सर आपल्यावर उलगडणार आहेत. हरीश सर थँक्यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस आज के लिए और हम कल मिलेंगे रात को 9 बजे ऑन अवर डिनर टाइम भटकंती. मित्रांनो आजचं सेशन आपण इथेच कन्क्लूड करतोय. आम्हाला विश्वास आहे की तुम्हाला आज आपण हा थोडासा वेगळा टॉपिक आज आपण घेतलेला होता कारण मी म्हटलं तसं की या अनेक दिग्गजांची नावं आपण इतर वेळेला फक्त ऐकत असतो, त्यांच्याबद्दल आपण कुठेतरी वाचलेलं असतं, पण त्यांच्या बरोबर ट्रेक केलेली जेव्हा एखादी व्यक्ती असते तेव्हा तिच्या तोंडून या सर्वांचा प्रवास ऐकणे खूप मोठी गोष्ट असते. आणि त्याचाच प्रयत्न आज आम्ही डिनर टाइम भटकंतीच्या माध्यमातून केलेला आहे आणि उद्या तसा आपण उत्तरार्ध ऐकतोय. सो उद्या असेच काही लिजंड्स आपल्या भेटीला येणार आहेत आणि हरीश सर त्यांची आणि आपली खूप सुंदर पद्धतीने ओळख करून देणार आहेत. हरीश सर थँक्यू सो मच आज के सेशन के लिए. आणि मित्रांनो नक्की आम्हाला कळवा की हे आजचं सेशन तुम्हाला कसं वाटलं आणि उद्याच्या सेशनला आपण रात्री 9 वाजता भेटतोय आपल्या डिनर टाइम भटकंतीमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. थँक्यू.